वालेकुम अस्सलाम सर, आप कोई सबकी तरफ से सलाम। जी जजाकल्ला। अच्छा, एक क्या तो मैंने मैसेज किया 11:30 का, क्योंकि मेरी कुछ इंटरनेशनल एक कमिटमेंट होती है ऑफिस की, जो मुझे सुबह 8 से 10 करके, तो फिर जो ये सेशन करना पड़ता ताकि 3 घंटे जो है वो स्किप हो सकूं। तो सॉरी फॉर दैट, अगर किसी को मैसेज मिला है, किसी को नहीं मिला है, तो आई एम अपोलोजाइज दैट। ठीक है जी, ठीक है, 11:30 पर हमारा टाइम था, दैट्स ओके। अच्छा, तो हम डायरेक्टली जा रहे हैं बिजनेस जो हम कर रहे हैं, हम इसको बिजनेस कहते हैं, बैक टू बिजनेस। तो उससे पहले ये कि हम तलावत कुरान पाक से स्टार्ट करेंगे, अल्लाह के बाबरकत नाम से अपना काम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم। जजाक अल्लाह खैर। क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्लीज वेलकम कर दें अपनी तरफ से। थैंक यू वेरी मच तमाम कोचिज को। और इंशाल्लाह हमारा ये लास्ट आज डे है और आपकी फीडबैक का जो है हमें इंतजार रहेगा। और जो भी फीडबैक है आपने इसे इनबॉक्स दे या इन रिटर्न जो है जो हमारा पेज है उसके ऊपर दे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी हम ऐसे ही वेबिनार करवाएंगे ताकि आप लोगों को कोई ना कोई जो भी चीजें हैं उनसे अपडेट रहे। थैंक यू वेरी मच तमाम कोचिज का। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो अभी क्लोजिंग की तरफ हम जा रहे हैं, हमारा लास्ट सेशन होगा आज, और ये मेरे ख्याल में आप इसको महसूस करेंगे, और आप, मुझे उम्मीद है कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पार्टिसिपेशन करेंगे और इंटरेस्ट शो करेंगे। जितना भी बिल्कुल हमने 2 दिन 2 वर्कशॉप्स में हमने डिस्कस किया, कुछ शेयर किया, मैंने अपनी तरफ से आपका नॉलेज इनपुट हमने लिया, और इस सारी चीज़ों को अगर हम लाएं प्रैक्टिकल सेशन के अंदर, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोच की, उसका जो बिहेवियर है, कोच का जो रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अगर डायरेक्टली हम जाएं, तो फिर एक प्रैक्टिकल सेशन है आपका, जो डायरेक्टली जो है फील्ड के अंदर, फ्लोर में, कोर्ट में, और पिचेस के अंदर आप जब करवाते हैं ट्रेनिंग सेशंस, फॉर एग्जांपल आप ट्रेनिंग सेशन कहते हैं 1 आवर्स का, 60 मिनट्स का, 30 मिनट्स का, मे बी 2 आवर्स, 1.5 आवर्स, तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि आपने वो जो ट्रेनिंग सेशन है जी वो, जी आप अपना माइक म्यूट रखिएगा प्लीज़, अगर आपका क्वेश्चन हो तो इनबॉक्स में आप देखेंगे, आप हैंड उसको क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली मैं आपको इंगेज कर लूँगा। तो आप प्लीज़ जब क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप अपना हैंड राइज कीजिएगा, डायरेक्टली अपना माइक ऑफ रखिएगा, थैंक यू। तो वो जो प्रैक्टिकल सेशन आपने करना होता है, 1 आवर्स का, 2 आवर्स का, 40 मिनट्स का, वट एवर, तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो जो प्रिंसिपल है ना ट्रेनिंग सेशंस के, हम उस पर डिस्कस करेंगे। वो जो ट्रेनिंग सेशन आप करवाना चाहते हैं, क्यों करवाना चाहते हैं आप, उससे आउटकम आपका क्या होगा, इनपुट आप क्या देंगे और आउटपुट आप क्या लेंगे, आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा उसके अंदर, आप उसको स्टार्ट कैसे करेंगे और एंडिंग कैसे करेंगे। वो जो ट्रेनिंग सेशन है आपका जस्ट फॉर 1 डे, या आपने उसको कंटिन्यू रखना है वीक, 2 वीक्स, 4 वीक्स, 8 वीक, फॉर एग्जाम्पल मंथ, 2 मंथ, 3 महीने का लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म जो प्रोग्राम है उसके अंदर इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ग्रेजुअली आपने ट्रेनिंग सेशन को कैसे आगे लेके चलना होगा, उसमें इनोवेशन कैसे आपने लानी है, जिद्दत कैसे लाते जाएंगे उसको, उसकी प्रोग्रेशन जो फेसेस है वो कैसे करेंगे आप, ताकि रियलिटी की तरफ आप जाएं, रियल सिचुएशन को टच करें जाके आप, तो इसको हम टच करेंगे। मैं डायरेक्टली, मेरा क्वेश्चन होगा आपसे, आप जो ट्रेनिंग सेशन प्लान करते हैं, क्यों करते हैं आप, क्यों प्लानिंग करते हैं ट्रेनिंग सेशन की?
जी प्लीज आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, बोल सकते हैं प्लीज। ताकि हम किसी भी प्लेयर को स्पेसिफिक टाइम के लिए उसकी गेम के लिए प्रिपेयर कर हेलो, सकें प्रॉपरली। जी प्लीज बोलिए बोलिए प्लीज मनोहर साहब। सर किसी कंपटीशन की तैयारी के लिए ट्रेनिंग सेशन। एग्जैक्टली, गुड गुड। जी प्लीज अपना इनपुट दें, बोले जो भी आपके जेन में आ रहा है। देयर इज, मैं एक चीज फिर रिमाइंड करवाऊंगा आपको सर, चाहे वो देयर इज, अपोलॉजी, देयर इज नो राइट सर एंड रॉन्ग। जो आपके माइंड में आता है, जो आपको आपका एक्सपीरियंस है, जो ऐसे आपके बातें, आप अपना शेयर करें मुझसे। फिर कहता हूँ देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग, सर आप हेसिटेट आप नहीं फील कर। जी सर, चाहे वो समर गेम है, चाहे वो कोई कंपटीशन है, इसके लिए हम स्पेशली अरेंज करते हैं कि हमने बच्चों को किस तरह लेके चलना है। अगर कंपटीशन है तो हमने वही सारी टारगेट रखना है, और अगर फॉर एग्जांपल जस्ट समर कैंप है तो उसमें हम जरा उसको चेंज करके सर इम्प्लीमेंट ओके करते हैं सर। जी प्लीज जी आप बोलिए ऑनलाइन। जी खालिद सर, सर जी अजीब सर, सर सर जावेद बात कर रहा हूँ डीजी खान से। जी जी सर प्लानिंग का जो बेसिक मकसद ये है कि हम जो है ना अपने जो रिजल्ट है ना वो बेहतर से बेहतर अंदाज में ना हम हासिल कर सकें, तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की जाती है। अगर हम एक ट्रेनिंग सेशन चला रहे हैं तो उसका भी मकसद यही है कि जो हमारे प्लेयर्स हैं हम उनसे बेस्ट रिजल्ट हासिल कर सकें। ओके जी प्लीज। सर मैंने प्लान करना है 8 से 12 हफ्ते का, कि मैंने उस लड़के को लेकर जाना है इस स्टेज पर इस कंपटीशन के लिए। उसको मैंने पहले महीने में 4 हफ्तों में ये रिजल्ट, फिर वो, और फिर मैंने फाइनल पे जाके उससे ये टोटल लेना है। मेरा ताल्लुक क्योंकि वेट लिफ्टिंग से है, इस मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। मल्टी, हम मल्टी जाते हैं इसमें, एक तो फिर क्लियर करेंगे। हॉकी का कोई कंसेप्ट नहीं कि आप समझे मैं हॉकी वाला हूँ तो मैं उसी की प्लानिंग बन, ये जर्नी बता रहे कि आप ट्रेनिंग सेशन कैसे ऑर्गेनाइज करें, कैसे मैं उसको लेकर चलूंगा 4 हफ्ते, फिर 4 वीक, देन वो 12 हफ्ते में मैं उसको लेकर आऊंगा कि मैंने इससे ये टोटल करवाना। ओके उसमें अगर हम जाएंगे तो उसकी डिटेल है, उसमें माइक्रो डिटेल है, उसके प्रिंसिपल है, वो करवाना कैसे है, हाउ ट्रेनिंग सेशन कैसे स्टार्ट करेंगे आप, क्या करेंगे आप। जी प्लीज ठीक है जी प्लीज बोलिए, जो आपके जहन में आता है बोलिएगा। देर इज नो राइट एंड रॉन्ग, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि बात कहता है कि आप सोचते होंगे कि ये लाइंस ऊपर आ रही हैं, आप अपना ना करें, केसर बंद करें प्लीज। ये आप प्लीज जो स्क्रीन शेयरिंग वाला बटन है इसको छेड़े ना आप प्लीज, इंस्ट्रक्शन हो रही है ये अभी मुझे। सर बोलो। जी जी प्लीज बोलिए। किसी मतलब इवेंट को करवाने के लिए उसमें एक शॉर्ट टर्म एक आता है और एक लॉन्ग टर्म आता है, जैसे 1 वीक का मैंने ना प्लानिंग करनी है कि मैंने किस तरह से प्लानिंग करनी है प्लेयर्स के लिए। वन डे मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं वन डे जो करवाऊंगी उसको आहिस्ते आहिस्ते ग्रेजुअली मैं ऊपर लेके जाके जो मैंने प्लेयर्स को सिखाना है बताना है उसको आहिस्ते आहिस्ते करके तो मैं उनको ऊपर लेके जाऊंगी, कंपटीशन के लिए तैयार करूंगी। और जो मतलब मेरे माइंड में है कि जितना मेरे पास अपना नॉलेज है अपने नॉलेज के अकॉर्डिंगली ना मैं उनको मतलब तैयार करूंगी और उस कॉम्पिटिशन के लिए उनकी तैयारी करवाऊंगी। सलाम अलैकुम सर। जी जी प्लीज बोलिए। सर फर्स्टली तो हम इवेंट के लिए प्रिपेयर करेंगे उनको, बच्चों को, ठीक है, जो भी इवेंट होगा। फिर उसमें हमने एक डे के सेशन में हमने ये करना है, वार्म अप से स्टार्ट करना है, फिर उनका सेशन कराना है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट में है, स्टार्ट में वार्म अप करा के उनको
अगर बैटिंग का सेशन है तो वो नेट करवाना है, अगर फील्डिंग का है फील्डिंग का कराना है, उसके बाद कूल डाउन है, और उनमें उनकी टेक्निक्स सही करनी होती है इसमें सेशन में, जो भी वो फॉल्ट कर रहे हैं मिडल, उनकी टेक्निक्स पे काम करना पड़ता है एग्जैक्टली टेक्निकल, ठीक है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। और जी, ये ओके जी प्लीज सर वीक जी। जी बोलिए। सर हेलो, मेरी जो गेम है उसमें तो मतलब पहले तो हमने कौन से एक स्पोर्ट्स है आपकी? बॉडी बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग। सर, उसमें तो मतलब सबको जब जिस कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें एक क्लास को चूज करके हम लोग तो उसमें बिगिनिंग से शुरू करते हैं कि पहले तो देखते हैं कि इसके बॉडी में कौन सी कमी है जो हमने दूर करनी है, उस तरह से फिर मतलब फ्रॉम द डाउन लेवल फिर उसको हम अप करते जाते हैं, मतलब एंड तक लेके जाते हैं ताकि वो कंपटीशन में हिस्सा ले सकें। जी मगर उसकी डिटेल है, माइक्रो डिटेल, सर बिल्कुल। प्रिंसिपल्स हैं, स्टार्ट कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें करवाएंगे। हेलो, माइक ऑन रखिएगा ताकि वो भी सुन ले। जी सर, हेलो, उसके सेशंस बनेंगे प्लानिंग में कि फर्स्ट सेशन में डिफरेंट वो ड्रिल्स के जरिए एक्सरसाइजेस के जरिए से उनके सेशंस बनाएंगे कि हमने फर्स्ट पार्ट में इस सेशन के थ्रू चलना है, ये ड्रिल्स होंगी, ये एक्सरसाइजेस होंगी, स्ट्रेंथ की हो गई या फिर सर वो की हो गई स्टेमिना की हो गई, इस टाइम एथलीट को प्रॉपर उसका सेशन के थ्रू उसको इंक्रीज करते जाएंगे, उसकी एबिलिटी को और जो जो उसके अंदर वीकनेस उसको इम्प्रूव करते जाएंगे सेशंस के जरिए से। जो स्ट्रेंथ एंड ट्रेनिंग है ये तो किधर की जाती है? तो ग्राउंड, अगर ग्राउंड की है तो ग्राउंड के थ्रू करेंगे, मतलब डिफरेंट एक्सरसाइज के जरिए से। इन यस कुछ पार्ट्स में है जो हम ग्राउंड में करते हैं, मगर ज्यादा जो है वो हम जिम को यूज करते हैं, स्ट्रेंथ एंड वेट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। करवाते हैं एक सेशन और फिर प्रैक्टिकल में भी करवाते हैं, फिजिकल में प्रैक्टिकल में करवाते हैं, कुछ में बेसिक्स स्किल का मतलब है, एक लेक्चर दिए जो में बताया जाता है कि न्यू रूल्स हैं और इन रूल्स को फॉलो करते हैं मुझे भी। ओके, मैं आपको और ज़्यादा जी मैं और आपको आसान कर देता हूँ। आपके पास 1 घंटे का 60 मिनट्स है आपके पास, तो 60 मिनट्स में आप क्या करवाएंगे किन? मगर ये देखिए कि आपने जो कुछ पढ़ा है ना पहले स्टार्ट से कल तक, वो सारी चीज़ें उसकी इंक्लूड होती हैं, उन चीज़ों को मद्देनजर रखना होता है ट्रेनिंग सेशन से पहले। आपने सारी चीज़ें, आपका करेक्टर, आपके बिहेवियर, आपके मैनेजमेंट, आपका सेफ्टी कॉशन प्रोटेक्शन, सारी ये चीजें आपने मैनेज सब देख के उसके बाद आप ट्रेनिंग सेशन लॉन्च करते हैं। वार्म अप, ओके डन। वो सिंपल उसको कहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट जो है ना वो आपने देखनी होती है, उसके बाद आप इक्विपमेंट इक्विपमेंट देखते हैं वो। जिस और सर स्टाइल कौन सा कोचिंग का यूज करना है, किस स्टाइल से बच्चे को ट्रेनिंग देनी है। जी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप अपने प्लान के बगैर या अपने गोल के बगैर अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं? आप इसको अस्सलाम मानते हैं? वालेकुम सर, जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपके इस सवाल के साथ पहले को भी रिलेट करूंगा, जब तक हमारे पास कोई टारगेट नहीं होगा सर हम प्लान नहीं कर सकते। हम एक फर्ज किया 1 साल के बाद हमने एक कंपटीशन लड़ाना है तो बच्चे को फिट भी करना है और उसको कंपटीशन के लिए रेडी भी करना है, उसके लिए हमने प्लानिंग करनी है लाजमी। और फर्ज करें 1 साल की हम प्लानिंग करते हैं तो उसमें प्रिपरेशन फेज भी डालेंगे और फिर कंपटीशन फेज भी डालेंगे, फिर ट्रांजिशन फेज भी डालेंगे, तो इस हिसाब से लेकर था कि ग्रेजुअली हम उसको एक लेवल पर लेके जो हमारा टारगेट है वो अचीव कर। फर्ज किया मेरे पास एक एथलीट है 200 मीटर का, तो वो टाइम कर रहा है 22 सेकंड, तो मैं उसके लिए नेक्स्ट प्लान जो करूंगा वो 22 को तोड़ने का करूंगा, उस हिसाब से मैं उसकी प्रिपरेशन का फेस भी बनाऊंगा और उसके कंपटीशन फेस भी बनाऊंगा जिसमें उसको मुख्तलिफ कंपटीशन और ट्रायल्स वगैरह दिए जाएंगे, इस तरह लेकर ग्रेजुअली हम उसको आगे चलेंगे। दूसरा आपने पूछा कि बिल्कुल गोल, गोल के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता, और मैं तो समझता हूँ जब भी हम प्लान बनाएं पहले हम गोल को सामने रखें, गोल से हम पीछे आए, रिवर्स आए, फिर हम स्टार्ट से शुरू करेंगे ताकि हम गोल हमारी नजरों में। थैंक यू सर। तो आप वन डे की ट्रेनिंग कैसे करवाएंगे उसको? सर वन डे में सर सबसे पहले हमारा हमें पता होना चाहिए कि आज हमने करवाना क्या है।
वार्म अप के बाद हमें किस तकनीक पे काम करना है, तकनीक पे काम करना है, टैक्टिक्स पे काम करना है, किस चीज़ पे। उसके बाद हमारा जब ये तकरीबन कुछ पहले 5 से 10 मिनट हमारा वार्म अप होगा, उसके बाद सर हमारा जो मेन सेशन होगा जिसमें हमने तकनीक पे काम करना है, उसके बाद सर एंड पे हमने फीडबैक के लिए भी कोई 5-10 मिनट रखने हैं ताकि प्लेयर से फीडबैक ले सके कि आज का सेशन कैसे रहा, और उसके बाद हम अगर चाहें तो नेक्स्ट सेशन के लिए भी प्लेयर्स को बता सकते हैं कि कल हम किस चीज़ को फोकस करेंगे। ठीक है जी, प्लीज। सर इसमें ये कि सर वन डे में तो टैक्टिक्स पे ही वर्क हो सकता है, टेक्निक पे तो इतना कंसंट्रेट नहीं होगा सर। हो सकता है मगर डिपेंड करता है आप किस फेस में अभी इस वक्त। आप किस फेस में काम कर रहे हैं ये डिपेंड करता है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है ये डिपेंड करता है, ये क्लियर होना चाहिए कि आप अगर प्रैक्टिस पे काम करें तो ऑब्जेक्टिव आपका क्या है उस ट्रेनिंग सेशन का, और किस फेस में आप कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कहाँ इसको इम्प्लीमेंट करना है, क्या करेक्शन कर रहे हैं उस सेशन के अंदर, ये इम्पोर्टेंट। जी 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 बोलिए प्लीज, इनपुट देते जाइए फिर मैंने स्टार्ट कर देना है। सर सर मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जैसे मैं अपनी ग्राउंड चला रहा हूँ, मेरे पास बिगनर्स बच्चे भी हैं, जूनियर्स भी हैं, उनका तो मेरे पास टारगेट कोई नहीं, लेकिन उन्हें गेम तो सिखानी है ना सर, उसके लिए जो भी सेशन है हमारे बास्केटबॉल के मुताबिक, जब तक हमारे बच्चों को ड्रिबल नहीं आनी वो आगे जा ही नहीं सकते। मेन गोल वो अचीव करते हैं ट्रेनिंग में कि बच्चे सीखें, मेरे पास बिगनर्स बच्चे सर काफ़ी हैं, उनका तकरीबन डेली सेशन लगता है, उनको डेली ट्रेनिंग कराता हूँ। अब जो मेरे पास बड़े बच्चे हैं सर, उनको पहले ना आजकल जो मैं करवा रहा हूँ अपने जहन के मुताबिक जो कोचिंग स्टाइल कर रहा हूँ, वो गेम करते हैं पहले बच्चों को, गेम के बाद मैं तकरीबन आधा घंटा उन्हें ट्रेनिंग सेशन करवाता हूँ सर उनके स्टेमिने के लिए। पहले आप गेम करवाते हैं या पहले आप ट्रेनिंग करवाते हैं? सर मैं पहले ना गेम करवा के फिर ट्रेनिंग करवाता हूँ सर। तो गेम और ट्रेनिंग में क्या फर्क है? सर गेम बच्चे होते हैं काफी सर, तो अच्छा ट्रेनिंग बास्केटबॉल में तकरीबन 15 से 18 बच्चे हो तो सही ट्रेनिंग होती है, लेकिन वो होते हैं बच्चे 25-30, उनको पहले गेम करवा के ना सर टीमें बना के, उसके बाद फिर मैं 15 बच्चे अच्छे निकाल के उनको ट्रेनिंग करवाता हूँ जो बेहतरीन बच्चे होते हैं मेरे पास। ये तो मैं बाकी जो अपने पढ़ने रह जाते हैं वो किधर जाते हैं? सर वो चले जाते हैं फिर बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं, छोटे बच्चे जो बिगनर वगैरह होते हैं ना उन्हें फिर मैं निकाल देता हूँ, बाकी 15 को ट्रेनिंग करवाता हूँ। तो हम इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको कैसे मुहैया कर सकते हैं? सर वो छोटे बिगनर्स है ना सर, उन्हें तो मैं फिर ट्रेनिंग करवा रहा हूँ पहले, वो उन्हें पहले करवा देता हूँ सब कुछ। आप दो डिफरेंट ग्रुप्स में करवाते हैं या सबको इकट्ठा करवाते हैं? ना सर दो डिफरेंट ग्रुप्स में सर, दो डिफरेंट ग्रुप में करवाते हैं जी सर। वो जो आपके बच्चे हैं उनको आप सिर्फ गेम करवाते हैं तो उनकी करेक्शन कैसी होगी? नहीं सर जो बिगनर्स हैं उनको मैं जो बेसिक स्किल्स वगैरह ड्रिल्स वगैरह वो करवाता हूँ सर, जो बिगनर्स हैं सर उन्हें गेम के मसले। जी सर जी। मेरा एक क्वेश्चन है सबसे, मैं जो हूँ हॉकी से मेरा रिलेटेड है जी सर, आप समझते हैं कि मैं डायरेक्टली 100 मीटर की स्प्रिंट लगा सकता हूँ? नहीं सर, नो सर। तो एथलेटिक्स के या किसी भी ट्रेनिंग उसकी प्रिंसिपल है ना, उसकी डिटेल है, उसकी माइक्रो डिटेल है जिसके प्रोसेस से आपने गुजारना है उसको। सर जो प्रोसेस है ना बास्केटबॉल के मतलब सर, जो बिगनर्स हैं वो तो उसमें से गुजरना है, उसने गेम सीखनी है जैसे तो हमारे बास्केटबॉल। आप इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं सर, यही तो आपसे शेयर कर रहा हूँ ना, आप ये आपने बताना है कि मैं इसको कैसे बेहतर कर सकता नहीं हूँ। ये आपको पता है, अगर मैं डायरेक्ट लेक्चर तो मैं तो 1 मिनट में सब कुछ बता देता हूँ, क्योंकि जी सर आपकी ही दोस्तों ने एक दूसरे को पढ़ाना है आपने। ये हमारा लर्निंग सेंटर अप्रोच है, मेरी अप्रोच, मेरा जो मरकज है ना वो आप लोग हैं, मैंने लेक्चर नहीं सर देना आपको। अच्छा चले, मेरा जैसे ये क्वेश्चन है, आपकी हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं अभी जी, प्लीज चाहिए एक ले लें आप, प्लीज बैठ जाए आप। प्लीज
अभी मैं एक आपको टिप्स देने लगा हूं। मेरा जो फोकस है ना वो आप लोग हैं, मेरा जो फिलॉसफी है ना वो आपकी तरफ है। मैं खुद आप लेक्चर नहीं दूं, मैं 1 मिनट में आपको सारी चीजें बता सकता हूँ, मगर चूंकि आपको डेवलप करना है, पहले चेक करना है कि आपके पास एक्सपीरियंस तो है, उसको एक्सप्लोर कैसे करना है आपके पास है, तो वो जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप अभी बताएंगे, मैं डेफिनेटली आपकी शेयर करूंगा ना आपसे, बताना क्या होता है शेयर करना, तो आपके पास एक्सपीरियंस है, आप ऑलरेडी बिजनेस में फील्ड में काम कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन था कि पहले गेम करवानी चाहिए या पहले ट्रेनिंग करवानी चाहिए? पहले सर ट्रेनिंग करवानी चाहिए। अच्छा, आपने हेल्प करनी है मुनव्वर साहब हैं, मुनव्वर जी साहब सर। हम आपके क्वेश्चन को ना जो आपका वो उसको हम प्रोलॉन्ग करते हैं, आपको इंगेज करते हैं, ठीक है जी, फैसिलिटेट भी करते हैं एक दूसरे को, आपके दोस्त ही आपको फैसिलिटेट करेंगे, मे बी आप खुद भी एकदम से वो आप चीज़ आपके जहन में आ जाएगी और आप अपने आप को खुद भी फैसिलिटेट कर सकते हैं, एक्सपीरियंस आपके पास आइए, आप मैं मेरा मेरा मानना है कि आप लोगों का एक्सपीरियंस है, उसको एक्सप्लोर करना है मैंने लेक्चर के बगैर। ये जो मैं काम करने लगा हूँ ये एथलीट सेंटर अप्रोच जो हम कहते हैं ना, एथलीट्स को फोकस रखें, मेरी जो सेंटर अप्रोच है वो कोचेज सेंटर अप्रोच है, आप मेरी अप्रोच, ठीक है, अभी आपको मैंने अनाउंस कर दिया। अगर हम गेम करते हैं तो क्या होता है, अगर ट्रेनिंग करते हैं तो क्या होगा, तो आप इसको जरा शेयर करें, ये ओपन क्वेश्चन आपके लिए और आप सब ने इसको डिबेट करना, और कंक्लूजन पे आना, मुझे 1 मिनट में इसको खत्म करना। सर जी, सर ये ओपन एक डिबेट है और हर एक का कोई अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो शेयर कर रहे हैं हमने, ठीक है। ट्रेनिंग पहले करवानी है सर, मैं पहले या गेम करवानी, मैं गेम पहले करवाऊंगी, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, अगर गेम करवाएंगे तो बिगिनर को क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये बस इस पे रहना। सर पहले ट्रेनिंग, सर एज अ कोच मैं पहले जो है ना, जी प्लीज बोलिए बोलिए जी जी, अगर हमारे पास ट्रेनिंग है तो हम गेम करेंगे ना, बगैर ट्रेनिंग के कौन सी गेम होगी? सर पहले तो हमने ये डिसाइड करना है कि हमारे प्लेयर्स की एज क्या है। गिव मी अ टाइम पीरियड, यस सर, क्योंकि जो कोचेस की जो जैसे वो बोलते हैं ना, मैंने वो भी क्रैक कितने हैं, तो आप एक दफा फिर मेरी हेल्प कीजिए। तो ये जो आप जो अभी कुछ कहा था कि ट्रेनिंग के बाद कोई गेम नहीं होती, तो आप इसको और बेहतर तरीके से मुझे कैसे ब्रीफ कर सकती हैं, ये चीज जो ये वर्डिंग है, देखिए हम बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक, मतलब कि किसी भी गेम के लिए अगर हमने कोई गेम करनी है, खेलनी है, हॉकी है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, उसके लिए हमें पहले ट्रेनिंग करनी है ना, पहले ट्रेन करना है अपने प्लेयर्स को। मेरा ट्रेनिंग को सर, ये ट्रेनिंग को ना हम एज ए प्लानिंग भी कंसीडर कर सकते हैं, कि ट्रेनिंग भी तो एक वो हम प्लानिंग कर रहे हैं ना, कि गेम के लिए बच्चे को हम कैसे तैयार कर रहे हैं, तो वो ट्रेनिंग सेशन से ही हमारे पास जो है ना वो बच्चा तैयार होके आएगा, जब उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो जाएगी तभी हम उसको गेम करवाएंगे। ओके प्लीज गो अहेड, 1 मिनट में हम इसको खत्म करना है, 20 सेकंड है मेरे पास, स्पेसिफिक एक वर्ड बोले आप, डिटेल में ना जाए आप। सर ट्रेनिंग में जो करेक्शन है वो बार बार की जा सकती है, जबकि गेम में है जो है वो इतना टाइम नहीं होता, बार बार हमने रोकनी नहीं होती सर। क्लैरिटी की तरफ हम आ रहे हैं, ठीक है, कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। स्पेसिफिक टेक्निक पे हम ट्रेनिंग करवा के सर फिर उसे अप्लाई करेंगे गेम में, हम कि ये टेक्निक अप्लाई करें। अभी ऑनलाइन भी दोस्त है ना जी, प्लीज आप बोलिए। मुझे ट्रेनिंग का मतलब ये वार्म अप में ले रहे हैं या क्या ले रहे हैं कोचेस, मुझे ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि हर गेम से पहले वार्म अप होता है शॉर्ट 10 से 15 मिनट में, जिसमें हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं, तो ये अब वो चीज ट्रेनिंग या वार्म अप में ले रहे हैं या किधर ले रहे हैं, मुझे ये कंफ्यूजन हो रही है। नहीं उसको समझ लगे सर, ये जो मैच हो रहे हैं उसके लिए पहले वार्म अप जरूरी है, अगर मैच नहीं है तो फिर उसके लिए ट्रेनिंग पहले जरूरी है। नहीं 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 सर, नहीं सर, अगर आप ट्रेनिंग भी करते हैं गेम भी करा रहे हैं तो उसके लिए वार्म अप जरूरी है सबसे पहले, कोई भी आप गेम करा रहे हैं चाहे किसी भी गेम में, तो वार्म अप जरूरी है। आपके लिए एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूं मैं जानबूझ के, कि आपके पास जब उधर क्लास में होगा ना, सर जरूरी नहीं है, कोई मैच के लिए ट्रेनिंग है, कोई भी गेम करा रहे हैं तो उसके लिए वार्म अप तो जरूरी है। तो ये जी जी वो एक माइक्रो डिटेल है, बताया ही नहीं जा रहा कि हथियार चलाना कैसे है, तो वो जंग में कैसे उतरेगा, जब आप ट्रेनिंग ही नहीं दे रहे, ट्रेनिंग दी नहीं है, कैसे गेम में जाएगा? ओके
ओके सो ये मुझे बताइए कि मैंने पहले कहा था कि मैं स्पोर्ट्स में आया हूँ फर्स्ट टाइम, आप मेरे कोचेस हैं, आप मुझे डायरेक्टली क्या चीज बताएंगे, मुझे डायरेक्ट उस गेम पे लेके जाएंगे जो टेक्निकल चीजें हैं आगे हैं, और या मुझे उसकी टेक्निक्स बता के फिर मुझे इम्प्लीमेंट करवाएंगे कि ये इसकी टेक्निक है, ये इसके कायदे कानून है और ये जो है इसको खेला इससे जाता है। सबसे पहले उसका माइंड सेट करेंगे, माइंड सेट करके उसको फिर गाइड करेंगे, गाइड करने के बाद फिर उसको सर उसको ट्रेनिंग के लिए माइंड सेट क्या होता है सर, गाइड करना सर यही कहो जी, हम ये जो 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 करने दे करने दे, मैं खुद कर रहा हूँ, आपने को मैंने पढ़ाया था नोइजी एनवायरनमेंट, ये नोइजी एनवायरनमेंट है। गुजारिश ये है, इस तरह किसी को समझ नहीं आ रही, आप वन बाय वन सबका पॉइंट ऑफ व्यू लेते जा सारी तकलीफ के साथ। ये मैंने जानबूझ के डिबेट क्रिएट की थी, शोर हो जाए आप लोगों को, ये भी ट्रेनिंग कैसे। इसी तरह जो प्लेयर है उसके लिए आपने एज अ कोच जो है बड़ा, मैं समझती हूँ कि एक बड़ा फ्रेंडली और बड़ा ही एक ऐसा एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट जो है क्रिएट करना है कि उसको उस गेम से दिलचस्पी हो, प्यार हो, ना कि वो उसको एक रटा रटाया कि ये टेक्निक है मैंने आते साथ ये करना है फलाना करना है, ये एक कोच का फर्ज बनता है। ओके सो मैं इसको यहीं वाइंड अप करता हूँ सिंपली। अच्छा ठीक है, मैंने आपके अंदर एक सिनेरियो क्रिएट किया, अभी आपको पता चला है आप डिबेट पे चले गए डायरेक्टली और आप एक नॉइजी एनवायरनमेंट आपने क्रिएट कर दिया। ये जब आपके ट्रेनिंग सेशन में होगा ना तो आपने पैनिक नहीं होना, आपने बैक टू उनको ट्रैक पे लाना है, डिबेट पे ही रखना है और स्पेसिफिक उसी पॉइंट पर रखना है। ये नॉइजी एनवायरनमेंट होता है आपका, बहुत शोर शाबा सारे शुरू हो जाते हैं जब आप क्वेश्चन करते हैं, मगर कंक्लूजन नहीं होगी आपकी। अभी हमारी क्या कंक्लूजन है, डिफरेंट डिबेट होगी मगर स्पेसिफिक पॉइंट पे आपने रखना है, आपने खुद ट्रैक पर नहीं उतरना। मैं क्वेश्चन मेरा वही है, ट्रेनिंग और गेम तो क्या है, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। हमने डिबेट की है इसके ऊपर, एक ऐसा सिनेरियो मैंने जानबूझ के क्रिएट किया आपको, ये भी एक ट्रेनिंग का हिस्सा है, जब ट्रेनिंग करवाते हैं ये चीजें उसमें होती हैं, आप में क्वालिटी होनी चाहिए इसको मैनेज करने की। जब आप एक क्वेश्चन करते हैं, ओपन क्वेश्चन करते हैं सबके लिए, या एक स्पेसिफिक क्लोज क्वेश्चन करते हैं एक बंदे के ऊपर, अगर वो स्ट्रगल करता है एक चीज बताता है दूसरी नहीं बताता, आपने उसको सोल्यूशन की तरफ कैसे लेके जाना है, आपने इनपुट अपना नहीं देना, आपने डिबेट करवा देनी है कि हाँ जी आप बताएं, वो कहता है यहाँ तक, तो उसके बाद वो कहते हैं आपने कहता नहीं, आपने अगर उसको बताना है फौरन तो बाकी जो प्लेयर्स हैं उसको आपने इन्वॉल्व नहीं किया, उनका जो लर्निंग सेंटर अप्रोच है वो आपने की नहीं है, एटमोसफेयर ही नहीं क्रिएट किया उनको एक दूसरे से सीखने का, तो ये एक दूसरे से डिबेट है, फिर आप कंक्लूजन पे जाके अपना इनपुट देते हैं। सिंपल है कि जब भी आप ट्रेनिंग करते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स करते हैं, डायरेक्टली उसको सेकंड थर्ड स्टेप पे तो नहीं लेके जाते हैं, आपको उसकी अवेयरनेस नहीं, चाहे बिगिनर है कोई भी होगा, कोई भी आएगा तो उसको उसकी बेसिक चीजों का तो पता होना चाहिए, ये कौन सी स्पोर्ट्स है, इसकी कायदे कानून क्या है थोड़े बहुत है, उसके बस टेक्निक्स क्या है, खेली कैसे जाती है, फिर आप उसको लेके जाते हैं, ये प्रोजेक्शन पे लेके जाते हैं, ये चीज है, इसको हम डिस्कस करने लगे आगे। चलें बाकी जो है ना वो जो सेशन है उसमें वार्म अप सारा मैं उसको डिस्कस कर लें, पहले हम जस्ट जनरल में आपको दो चीजों को डिस्कस कर रहा हूँ। ओके तो हम डिस्कस कर रहे थे प्री प्लानिंग फैक्टर्स जो है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा ट्रेनिंग सेशन का, वार्म अप। ओके वो तो एक चीज आ गई ना, वो तो सारा जो प्री सेशन से वो तो ऑलरेडी आपने सारी देख ली, हमने डिस्कस चुके हैं, हम आगे जा रहे हैं, अभी वो सारी चीज हमने पढ़ ली है, जो इक्विपमेंट आपका सारा कुछ जो चीजें आपको पढ़ाई है वो होनी चाहिए, उसके बाद अभी ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करने लगे हैं आप, आपने एक प्लान बनाना, ये मेरे पास पेपर है और ये मैं ट्रेनिंग सेशन करवा रहा हूँ आज शाम का, ट्रेनिंग इवनिंग सेशन है, इवनिंग ट्रेनिंग है, या मैंने इवनिंग के लिए कल मॉर्निंग का सेशन है,
तो मैंने ये जहन में रखना है कि अभी जो मेरा मॉर्निंग का सेशन हुआ या मेरे कल शाम का सेशन हुआ उसमें कौन कौन चीजें कमी रह गई हैं, उसको कहने मैंने आगे लेके जाना है, उसको करेक्शन पे कैसे लेके जाना है, तो वो चीजें फर्दर उनको हमने आगे करना होता है। डेफिनेटली वार्म अप तो उसके अंदर है ना, अभी जो ड्रिल जो स्किल्स हैं ये प्रिंसिपल है, डिटेल है, कैसे आपने करना है और क्यों करना है सब डेफिनेटली आप सिखाएंगे। कोई भी स्पोर्ट्स है उसकी फिटनेस क्या है, आपकी कौन सी स्पोर्ट्स है, एथलीट एथलेटिक्स किक बॉक्सिंग है, तो किक बॉक्स में डायरेक्टली आप स्टेमिना करेंगे या टेक्निक्स के ऊपर काम करेंगे, दो अलग चीजें हैं। फिजिकल फिटनेस अलग है, हम फिजिकल फिटनेस के ऊपर नहीं बात कर रहे हैं, वो अलग हमारी वर्कशॉप होती है, उसमें टोटली इंटायर डिफरेंट है, उस पर बात ही फिजिकल फिटनेस के ऊपर है। फिजिकल फिटनेस करवानी है तो उसका अपना एक सेशन है, ठीक है। अभी हम टेक्निक्स और इसके ऊपर जा रहे हैं, स्पोर्ट्स की टेक्निक्स के ऊपर सेशन कैसे करते हैं, टेक्निकल टेक्टिकल प्रोग्रेशन के ऊपर। सॉरी ये अभी मेरा प्रेसिडेंट मेरा ऑफिस आज बहुत बिजी था, अभी सिचुएशन हमने करनी थी, नहीं 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 वो अभी प्रेसिडेंट है कंट्री का। अच्छा तो सबसे पहले कि आपने अगर प्लानिंग करनी है तो क्या करेंगे आप, कौन करेगा, कब करेंगे आप, मेरे ये क्वेश्चंस हैं, कब करेंगे आप, कहाँ करेंगे, क्यों और कैसे आप इसको स्टार्ट करें, ये मेरा क्वेश्चन है सबसे, अभी बताएं एग्जैक्टली इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर आपने रहना है। क्या करना है आपने आज के सेशन में शाम में, ठीक है ठीक है ठीक है, इस ओके क्या आ रही आवाज आपकी, ओके बिल्कुल ठीक है, ये स्पेसिफिक होता है। आपने सवाल किया है कि कौन करेगा, कब करेगा और किस जगह पे करेगा, तो कोच ही करेगा, और जो देखेगा नियत है कि अभी एक 15 प्लेयर है या 10 प्लेयर है, उनके मुताबिक देख के आज इनको ये ट्रेनिंग करवानी है, आज इनको ये ड्रिल्स करवानी है, तो उस पे वो करेगा, वो गेम से पहले 5 मिनट में वो अपनी सारी प्लानिंग कर लेता है। एज है वो बहुत एज पे रुकिंग क्या कोच करेगा, मेरा क्वेश्चन यहां पे आ गया, करेगा प्लेयर वेट करो वेट करो, आप प्लीज मुझे फॉलो करेंगे आपस में डिबेट अपने आप खत्म, मुझे मेरा क्वेश्चन है 5 मिनट पहले आप ट्रेनिंग सेशन प्लान करेंगे, रूस या डेली 5 मिनट पहले आप सेशन ज्वाइन करते हैं, सर इसमें एक है जो है उसमें जो प्लेयर्स हैं उनकी एज बहुत ज्यादा मैटर करती है और उनकी हिस्ट्री बैकग्राउंड के वो किस लेवल के प्लेयर्स थे, फिर ही आप जो अपना सेशन है और बाकी जो ये जो डब्ल्यूज हैं आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन वहीं पे स्टैंड कर रहा है कि अगर आप जस्ट आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है इन 5 मिनट्स, तो आप फौरन कैसे करेंगे प्लानिंग कि मुझे अभी क्या करवाना है ग्राउंड के अंदर आके, सर वो उसकी वो नॉट नॉट डिबेट, डिबेट वो नहीं है, क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन एज कैटेगरी से अभी मैं नहीं कहता, नहीं सर वो पहले प्लान होगा कि कल मैंने इसको ये ट्रेनिंग करवाई है और सुबह मैंने ये लेकर चलना है, कल को मैं कल शाम से मैंने यहाँ खत्म किया था और सुबह मेरा ये है प्रोग्रेशन नेक्स्ट स्टेप जी। आप क्या क्या कहते हैं, अगर हम उसको पहले कर लें बेहतर है या ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एवेल्युएट करते हैं आप और जाके आप घर जाए उसके बाद उसको प्री प्लान्स, ठीक है प्री प्लानिंग फैक्टर्स जो है ना वो देखने होते हैं पहले वो इफेक्टिव आ जाते, वो थोड़ा वीकली ट्रेनिंग है, हम सिर्फ एक सेशन के ऊपर बात करेंगे उसको आप इंप्लीमेंट करते जाए वीक पे ले जाए मंथ पे ले जाएंगे वो एक आपका तरीकाकार है सारा उसको प्रोग्रेशन में लेके जाए सेशन, मगर एक सेशन की जो प्रिंसिपल डिटेल है वो हमें करनी पड़ती है इफेक्टिव जी 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 वो ठीक है जी जी चल जी जी चलो ठीक है चलता रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सर मैं सबसे पहले
किसी भी स्कूल में जाऊंगी तो वहां पे मेरे पास 10 बच्चे हैं, तो सारे तो रनर नहीं ना बन सकते, कुछ उसमें से जेवलन थ्रोअर है, कोई शॉट पुट है, कोई इस तरह के 10 बच्चे। तो सर मैं सबसे पहले उनको ना कोई सब इनका प्लान करूंगी कि इनको ना सबको पहले मैं उनको रोजाना वार्म अप कराया करूंगी, उसके बाद सर मैं प्लान करूंगी 1 हफ्ते के बाद कि अब इनको ट्रेनिंग दी जाए। ट्रेनिंग के ठीक बाद है, उनको सारी टेक्निक्स बताई जाएंगी कि ये गेम कैसे करते हैं, रनिंग कैसे करनी है हमने, ये शॉट पुट को कैसे थ्रो करना है, डिस्कस थ्रो को कैसे करना है, जैवलिन को थ्रो करना टेक्निक के। उसके बाद सर उनको गेम पे 1-2 हफ्ते के बाद गेम पे लगाया जाएगा। सर कोई भी इम्प्रूवमेंट बच्चों में लेने के लिए सबसे पहले हम उनको वार्म अप पे तैयार करके, प्लानिंग ये है वार्म अप पे तैयार करना है, एकदम ट्रेनिंग पे नहीं ले आना। उसके बाद सर हम उसको सर प्लान कि ये ट्रेनिंग के लिए तैयार है, उसके बाद सर ये गेम के लिए तैयार है। अगर किसी भी बाइक का या किसी का भी लाइसेंस बनाने के लिए जाते हैं, सबसे पहले वो इशारों का ही पूछते हैं ना कि मेन इशारे क्या हैं, उसमें पास होंगे तो वो आगे जाएगा, नहीं तो वो फेल है। रेफरेंस आपने मुझे अपोलोजाइज, मैं आई अपोलोजाइज, ये डिस्क्रिमिनेशन में आ गया जब मैं बात करूंगा मैं अपने इस, तो हमने स्पेसिफिक रहना है, हमने स्पेसिफिक रहना है। आपने बहुत अच्छी बात की है, उसकी बेसिक जो आपने जस्ट सारी बात है, वार्म अप करवाएंगे, उसके बाद अवेयरनेस देंगे, उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे कहाँ कैसे फिट होता है, ठीक है जी, टेक्निक्स के ऊपर काम करेंगे और देन उसको आप प्रोग्रेशन पे लेके, दैट्स मोर देन अनफ, मोर देन अनफ। ये स्पेसिफिक जो जी हम कोच, जो ये एग्जाम में रखिएगा, जो कोचेज है ना प्रोफेशनल, वो सिर्फ यही लैंग्वेज बोलते हैं, ये वो इधर उधर बिल्कुल भी नहीं बोलते, उसका रेलिवेंट नहीं है। रियलिस्टिक आपने अप्रोच रखनी है, रेलिवेंट आपने स्पोर्ट्स के साथ डिस्कशन करनी है, ये है प्रोफेशनल एटीट्यूड और प्रोफेशनल टॉक जो होती है, एक्सपर्ट टॉक होती है। अगर आप रेफरेंस देते हैं अननेसेसरी चीजों का, उनका रियलिस्टिक नहीं है, रेलिवेंस नहीं है, तो वो अजीब सा लगता है। हम इतने अरसे से काम कर रहे हैं, हमें प्रोफेशनली जो हमारी जो टर्म है वो इस्तेमाल करें और स्पेसिफिक अपने ऊपर रहें। थैंक यू वेरी मच जी, जी थैंक यू। जी जी बहुत अच्छे। चलें हम फर्दर सिनेरियो की तरफ जाते हैं। देखें सबसे पहले तो आपने ये चीज देखनी है कि जो आपका एज ग्रुप है, पार्टिसिपेंट्स हैं, क्या एज ग्रुप है आपका, जो भी हो, मैं ऐसे कोई गर्ज नहीं है, कोई नो दैट इज नॉट मैटर, मैं सिर्फ एक कह रहा हूं कि आपका जो जेंडर्स हैं, मैं बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, मैन है, वो मैन है, और उसको जो पार्टिसिपेंट की एज कैटेगरी क्या है, जारी बात है उसके हिसाब से आपने उनको डील करना है, उनके ट्रेनिंग सेशन आप करवा रहे होंगे, जारी बात आप इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने ये देखना है कि उनकी एबिलिटी क्या है, जो एबिलिटी है उसके हिसाब से आप ट्रेनिंग प्लान अपना लॉन्च करेंगे, डेली बेसिस डेली करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे का करते हैं, ठीक है। आपने ये सारी चीजें मैच से भी देखनी है, उसके बाद जो है वो अपना अपने वेन्यू फैसिलिटीज, कोचिंग सेशन जो है ना कहाँ पे करवाना है आपने, ये चीजें आपने देखनी होती है, ठीक है। इक्विपमेंट डेफिनेटली आपने इसको चेक करते हैं, अवेलेबिलिटी है कितनी है आपके पास, इक्विपमेंट क्या है, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग शुरू करवा दें, आपने एक वेन्यू या एक जगह को आइसोलेशन में करना है, उसको डायमेंशन कहीं करनी है या उसकी जगह बनानी है ट्रेनिंग के लिए, तो आपके पास कौन ही ना हो, इक्विपमेंट ना हो, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल आप रिंग के अंदर हैं, आपके रोप ही नहीं है साइड पे, वो कितना रिस्की है, राम से उसको किक बॉक्सिंग कर रहे हैं तो सेफ्टी नहीं है साइड पे, वो अपना देखना है अपना, ये सारी चीजें आपने देखनी है उसकी। और ड्यूरेशन आप जो सेशन की है वो कितनी है, मैं डिफरेंट स्पोर्ट्स की बात, डिफरेंट का आपका डिफरेंट हो सकता है, आप 40 मिनट्स का ले रहे हैं, 30 मिनट्स का सेशन ले रहे हैं आप, 60 मिनट्स का, आप 1 घंटे का सेशन है, 1.5 घंटे का, 2 मिनट उसमें करेंगे क्या, पहले क्या करेंगे, पहले उसके बाद करेंगे, फिर उसको कैसे लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखनी है कि जो पार्टिसिपेंट हैं, जो एथलीट्स हैं, जो खिलाड़ी हैं आपके, उनकी जरूरत क्या है, नीड क्या है उनकी, वो आप 5 मिनट पहले तो नहीं कर सकते, ये चीजें आप देखेंगे, फिर आपने फैसला खुद करना है, इज इट आपको कैसे मॉडिफाई करना है आपने ट्रेनिंग सेशन को, ये तो पहले प्री प्लान घर से करके आएंगे, आज ये किया था, ये चीजें इसमें मिस हैं, और मैं टारगेट क्या है, वो टारगेट इवेंट है, या वैसे यूथ डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, उनकी पार्टिसिपेशन कहीं, उसके बाद प्रैक्टिस मैचेस खेलेंगे, मगर मुझे एक फोकस तो करना है, एक प्लान तो बनाना है, गोल तो रखना है कि इस बेस पे, इस बिहाफ पे मैं इसकी सारी ट्रेनिंग ट्रेनिंग करवाऊंगा,
डेली का जो ट्रेनिंग सेशन होगा उसको आगे कैसे लेके जाना है, उसको ग्रेजुअली कैसे डेवलप करना है उसको, ठीक है, वो तो फिर आप प्री प्लान करके आते हैं। तो वो आपकी आपकी बुक होती है, उसके ऊपर लिखते हैं, डेट लिखते हैं सारा कुछ, उसके ऊपर पार्टिसिपेंट कौन से ग्रुप चला है, आज मैंने क्या करवाया, क्या हुआ, इसको कौन सी कमी रहेंगे, इसको फर्दर कैसे लेके जाना है। तो ये उसके बाद आप अकेले हैं या आपके पास दूसरे असिस्टेंट कोचेज भी हैं? अगर आपके असिस्टेंट कोचेज हैं तो आपने उनको यूज कैसे करना है? बहुत अजीब सा कंसर्ट है, अपोलोजाइज कि कल्चर की वजह से कि आप हेड कोच भी होते हैं, आप मैनेजर भी होते हैं, आप सब कुछ होते हैं और आपके जो असिस्टेंट कोचेज हैं कोने में खड़े रहते हैं। इज इट राइट और रॉन्ग? मैं खुद 2 साल प्रैक्टिकल किया है पाकिस्तान के अंदर, तब इसलिए आया था कि देखते हैं होता क्या। तो ये नहीं होना चाहिए, आपके जो असिस्टेंट कोच हैं उसी तरह वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए। अगर नहीं है तो आपने उनको कॉम्पिटेंट बनाना है, डेली ये उसको प्रोग्रेस ये ले, बनाओ ट्रेनिंग सेशन आज, जैसे मैंने आपको कहा आप बनाएं, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो आपने उनको भी डेवलप करना है और उनसे काम लेना है आपने। अगर आप कहते हैं मेरे पास 20 का ग्रुप है तो फिर आप कहेंगे मैंने अकेले 20 को डील करना, नहीं इम्पॉसिबल। आप सबको मॉनिटर कर सकते हैं, नहीं इम्पॉसिबल। तो आपके असिस्टेंट कोचेज उनको यूटिलाइज करें, आप मॉनिटर करें, 2 ग्रुप के दे दें, आप तीसरे के साथ मॉनिटर करते रहें, उसकी यूटिलाइजेशन जो है ना आपकी उसको सही करना चाहिए। और आपका ऑब्जेक्टिव जो है ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव, ये क्लियर होना चाहिए आपके लिए भी, आपके जो स्टाफ है उसके लिए भी, और आपके जो एथलीट्स हैं उनको भी क्लियर होना चाहिए कि आपने करना क्या है और उनसे करवाना क्या है, उनको पता होना चाहिए सारी चीज़। ये प्री प्लान आप करके लाएंगे तो होगा, अदरवाइज जी आप कहेंगे ना कि आप आ गए ग्राउंड में तो मैं देख लूँगा, तो फिर आप कहेंगे चले 2 टीमें बनाएं या चलो जी बॉक्सिंग स्पायरिंग पे चले जाएं, फाइटिंग पे चले जाएं डायरेक्ट, वो करवा के। वो सबसे आसान तरीन तरीका यही है कि जब आपने ट्रेनिंग जो ना प्रोसेस जो नहीं लेके जाना तो फिर आप जाके गेम करवा दें, आधा घंटा खेलें, मैच खत्म, ट्रेनिंग खत्म। 100% ग्रंटेड कि उसका आउटकम कुछ भी नहीं है। आप टेक्निक्स को वहां पर डेवलप नहीं कर सकते, पहले टेक्निक्स को करेंगे फिर प्रोग्रेशन में गेम में लेके जाएंगे, वो डिफरेंट गेम सिनेरियो में लेके रियलिस्टिक में लेके जाएंगे, फिर उधर देखेंगे इसके टेक्निक्स जहाँ मैंने करवाई इसको इम्प्लीमेंट करवा रहा हूँ रियलिस्टिक चीज में ना प्रोग्रेशन में, अभी इसको देखता हूँ ये क्या डिसीजन लेता है यहाँ पे, इसकी परफॉर्मेंस यहाँ पे क्या है, इस टेक्निक्स को हम इसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कहाँ एरर आ रहे हैं, आप उसकी उसके बाद फिर ट्रेनिंग लॉन्च करते हैं दूसरे दिन के लिए यहाँ करवाता, फिर उसको ट्रेनिंग वो करवाते हैं, फिर उसी को गेम सिचुएशन में लेके जाते हैं प्रोग्रेशन में, और उसके बाद रियलिटी जो रियलिटी जो होता है उसके बाद आप उसको सिनेरियो क्रिएट कर देते हैं इवेंट्स के दौरान जैसे होता है एग्जैक्टली कुछ टाइम के बाद, चलें ये आपका इतना है, ये है जैसे इवेंट के अंदर होता है, टाइम सेट करते हैं उसको, टाइम स्ट्रेस दे देते हैं या वेट उसको स्ट्रेस दे, या जो आपका तरीका कार है ये वर्ल्ड बिल्डिंग उसको वो चीज़ें बताते हैं जो गेम के अंदर होती हैं, वो उसी के अंदर फैसला करना शुरू कर देते हैं। तो ये रियलिस्टिक चीज़ है, अगर आप उसको प्लान प्रॉपर नहीं ना करते तो गेम आ गया अच्छा चले जी मैं चला गया और सुबह आज क्या करना है, चलो यार 2 गेम बोला, 2 हिटिंग कर लो, किकिंग कर लो, तो फायरिंग कर लो, तो चलो 2-2 पेयर में फायरिंग कर, कितने मिनट का सेशन है जी, चले फिर अच्छा जी चले मैं बैठा हूँ, हो गया टाइम कितना हो गया, चलो चलो 5 मिनट रह, चले ओके हो गया, चले थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो। तो ये आप सालों में चले जाएँ आप कुछ भी नहीं अचीव करते, नो रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है वो, मैं इस पर आता हूँ वो बाद में, वो आप हमारी फिजिकल फिटनेस वर्कशॉप देखें तो उसमें बहुत डिटेल है ये जो आप चीज़ कर रहे हैं वो, पहले आपको सीखना है, नो आई एम सॉरी है, पहले आपको ये चीज़ें सीखनी है कि एग्जैक्टली प्रिंसिपल्स क्या है इसके ट्रेनिंग सेशंस के, प्रिंसिपल क्या है डायनामिक्स, अगर स्पोर्ट्स के वर्ल्ड में चेंज हो गए हैं जो कंट्रीज लीड कर चुके हैं तो क्या वजह है, इन चीजों पे काम करते हैं वो, और हम प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है, मैं खुद प्रैक्टिकल डेली बेसिस पे इन्वॉल्व हूं, ये हम बता रहा हूं आपको, वो लोग सीखते हैं इंप्लीमेंट करते हैं फिर हमसे इन टच करते हैं ये मिस्टेक हुई यार बताइए, ये नहीं कि आप कहते हैं यूरोपियन हमसे आगे, कोई चक्कर नहीं हमसे सीखते हो, शायद आपने हम लोग उनको सिखाते हैं, ब्रिटिश हो गए ऑस्ट्रेलिया मेरे कितने हमारे, उसके बाद यूके से आते हैं इंग्लैंड हॉलैंड से आते हैं जो टॉप कोचेस हैं, साउथ अफ्रीका के टॉप कोचेस हमारे कोर्स में बैठे थे 4th level 2, 3, 4 में, कितने अच्छे दोस्त लगे, जापान के कितने कोचेज हमारे हमसे हमारे कोर्सेज में आते हैं करते हैं वो करते हैं, तो इसमें तो कोई ऐसी चीज़
सीखने में क्या अर्ज? अगर कहें मैं सब कुछ जानता हूँ तो फिर आप कुछ नहीं जानते। आई एम अपोलोजाइज, ये अल्फाज कभी हम कम इस्तेमाल, मगर हम कहते हैं मेरा मुल्क है, मेरे लोग हैं, तो यार मेरे लोग क्यों पीछे रहते हैं जी, हमें ओवरसीज पाकिस्तान को दुख देते हैं। सॉरी मैं अपने टॉपिक से थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि हम कभी कभी अपने मुल्क में आते हैं तो ये चीज़ हम देखते हैं तो हम कहते हैं हम क्यों पीछे, क्योंकि हम दुनिया को पढ़ा रहे होते हैं। जब अपने मुल्क में देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें कमी लगती है। पोटेंशियल है आप लोगों में, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल, नो डाउट, एथलीट्स में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल। ठीक है नंबर्स आप एथलीट्स कम हो गए, क्वान्टिटी कम हो गए, मगर पोटेंशियल आप लोगों में बहुत ही है, मगर ये चीज़ को बेहतर करना है, रियलिस्टिक अप्रोच अपनानी, ये चीज़ें सीखनी है आपने, उनको इम्प्लीमेंट उस तरह करना है। ओके आई एम सॉरी फॉर दिस, मैंने थोड़ा सा अच्छा। एक तो जो आपका सेशन जो होगा वो देखें कि सबसे पहले आपने ये फॉर्म एग्जांपल है कि किस डेट को आप ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं, ये परफॉर्म आप रखेंगे आप, ठीक है? नहीं तो मैं आपको भेज दूंगा, नहीं तो आप बना सकते हैं, इसको कोई इश्यू नहीं है, ठीक है जी। सेशन नंबर कौन सा है आपका? आपने पूरे महीने के सेशन किए तो हमने कितने सेशन करने हैं, तो उस सेशन के बाद आप चाहते हैं कि मैं यहाँ तक अपना आउटपुट लूँ और मैं प्रोग्रेस जो है वो वहाँ तक गोल अचीव कर लूँ, और इतने टाइम के बाद मेरा एक इवेंट होगा, वहां तक मैंने ये इतने सेशन प्लान करने हैं, और ये है उसका प्रोग्रेशन है, और उसमें देखना है कि आपके जो डेट है उसमें आप रखना होता है, उसके बाद नंबर्स ऑफ प्लेयर्स एथलीट कितने हैं आपके, और एज कैटेगरी का ख्याल रखना है, ठीक है जी। और उसके बाद जो आपका जो लेवल है आपके ग्रुप का, टेक्निकली मैं बात कर रहा हूँ, टेक्निक्स में कितने वो होस्ट, ठीक है, कितना उसके पास जो है वो पार्टिसिपेंट, जो उनकी अवेयरनेस है, उसकी स्किल है, टेक्निकल टेक्टिकल कितने स्ट्रांग है, और नीचे आपने लिखना आपका सेशन जो ऑब्जेक्टिव है, ये क्लियर होना चाहिए। ओके तो जब आप अपना ट्रेनिंग सेशन प्रिपेयर करेंगे, मेरा एक क्वेश्चन होगा, आप कितने मिनट्स का सेशन होता है आपका डेली का? 90 मिनट ना, 90 मिनट में सिर्फ मुझे बता सकते हैं कि पहले 30 मिनट्स में आप क्या करते हैं? माइक आपका चल रहा है, माइक चलता है ताकि मेरे दोस्त वो भी थोड़ा सा, हाँ माइक अपना ऑन रखिएगा प्लीज सर। वार्म अप और उसके बाद हम स्ट्राइल करते हैं, उसके बाद फिर सर हम बकायदा ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। अच्छा मैं इसको प्रोलॉन्ग करता हूँ, अपने मोबाइल प्लीज बंद रखिएगा, अपने मोबाइल बंद रखें। अच्छा उसमें ये जो आप वार्म अप करते हैं, अपनी जारी बात है हर स्पोर्ट्स का अपना एक वार्म अप है, उसका अपना टाइमिंग है, ठीक है जी, ये अपने ध्यान में रखना, ठीक है जी। हमारा हॉकी का जो होता है मैक्सिमम 15 मिनट से ज़्यादा नहीं करते, अलाउ नहीं, ओलंपिक खेलना तभी इतना ही होता है, वर्ल्ड कप खेलना तभी, वो 20-25 मिनट का कोई वार्म है, वो फिजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आपका भी इतना जितना भी है 5-10 मिनट जितना करते हो, कितने करते हैं वार्म अप के? मैक्सिमम 15 मिनट्स में आप सारा कुछ प्रिपेयर हो जाते हैं। तो वार्म अप के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है? हम रोड से सर स्टाइल करते हैं, उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप वेट बढ़ाते चले जाते हैं। स्टेप में क्या करते हैं? अगर हम पहले इसको बार की है, रोड से की है, फिर 30 kg, 40 kg, 50 kg, 60 kg, अगर वो क्लासिकल है, हाफ है या स्टैंडिंग है, जो भी ट्रेनिंग है उसके मुताबिक उसको बढ़ देते हैं, जो उसका टोटल होता है जितने परसेंट करनी है उतने परसेंट तक उसको लेके जाते हैं। ठीक हो गया जी, प्लीज। हेलो जी, प्लीज बोलिए, ऑनलाइन अगर वो करें तो बोलें जी, प्लीज बोलिए। जी तले साहब बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर हम वार्म अप के बाद मोमन जो पीछे पहले सेशन किया तो सर उसे रिपीट भी करवाते हैं, लास्ट सेशन जो, ठीक है ठीक है, उसको साथ लेके बाद फिर नए सर को बताते, ठीक है। कौन सी ड्रिल करवाएंगे, क्या करवाएंगे ड्रिल में? एक कितनी ड्रिल करवाएंगे आप 30 मिनट्स में? माइक ऑन कीजिए प्लीज, नहीं ये माइक ऑन कर दिया, उसको रहने दे, बेल आती रहेगी, कोई मसला नहीं, को साइड पे रख। मैं ड्रिल्स करवाऊंगी नंबर में 5 मिनट में करवाऊंगी उनको बॉल हिटिंग, फिर उसके बाद मैं उनको करवाऊंगी फेस टू फेस शॉट, मतलब पुशिंग। अच्छा पुशिंग, फिर उसके बाद उन्हें कहूंगी कि आपने 5 मिनट ट्रिपल करना है, फिर उसके बाद उन्हें कहूंगी कि आपने स्लैप शॉट करनी है, आपने हिटिंग करनी है, मतलब उसमें मैं टाइमिंग टाइमिंग वो करती जाऊंगी ना उनके साथ कि 5-5 मिनट का, जैसे मैंने 40 मिनट्स का करवाना है या मैंने 30 मिनट्स का करवाना है, तो टाइम को इंक्लूड करके 5 मिनट की मैंने करवाई बॉल हिटिंग करवाई, 5 मिनट की मैंने फेस टू फेस मतलब पुशिंग करवाई है, स्लैप शॉट करवाई है और शॉर्ट हिटिंग करवाई है, लॉन्ग हिटिंग करवाई है, इस तरह से मैं उसको
30 मिनट में प्लान करूंगी कि मैंने ये करना है। ये सारी चीजें आप 30 मिनट में करेंगे, 30 मिनट का सेशन है इसमें, वॉल रेटिंग शाला टाइप शॉप। उसके बाद, उसके बाद मैं उनको ब्रेक दूंगी, वाटर ब्रेक दूंगी, फिर उसके बाद दोबारा से मैं शुरू करूंगी। क्या करेंगे उसके बाद? जो गेम्स वगैरह का मतलब मैंने करवाना है, गेम्स करवानी है। जो मैं बोली है, there is no right जो, जो मैंने गेम्स करवानी है, फिर उसको उनको बताऊंगी गेम्स क्या करवाएंगे। जैसे मैंने हॉकी करवानी है, मैंने उनको ना मतलब 5-a-side में एक मैंने मैच करवाना है 5-a-side। मैंने उनको कहती हूँ कि मैंने आपको ना ये शाम का मैंने आपको प्लान करना है कि मैं 5-a-side करवा रही हूँ, उसके लिए मैं आपको प्रिपेयर कर रही हूँ कि आपने शाम को किस तरह से खेलना है मतलब। ठीक है, ठीक है, नो वरी, ये पैनिक भी नहीं होना आपने, हेजिटेशन भी फील नहीं करनी, देयर इज नो राइट और रॉन्ग। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि आप कहते हैं कि यार मैं यहाँ गलत बोल रहा हूँ, खामोश हो जाओ। नहीं नहीं नहीं, तो जो भी आप उनको मैंने बताना है जहाँ पे उनका मतलब लेक होगा, जैसे वो मतलब सही तरह से ड्रिबल नहीं कर रहे, या सही तरह से वो पास नहीं दे रहे, या सही तरह से पुश नहीं कर रहे, या सही तरह से वो स्नैप शॉट नहीं मारे, या सही तरह से वो हिटिंग नहीं कर रहे, मैंने उनको बताना है पहले, फिर मैंने उनको गेम्स में लेके जाना है ताकि उनकी जो गलतियां हैं फिर मैं उनको मतलब दोबारा से गेम करवा के, तो जो गलतियां होंगी उनको दोबारा से मैं फिर उनको बताऊंगी कि आपकी ये गलती है, आपने इस पे काम करना है। ठीक होगी जी, अब्बास साहब बोलिए। जी अब्बास भाई आप बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज, आप बताइए। सर नीचे से फोन आ रहे हैं, मैं सुन लूं। अब्बास साहब बोलिए आप प्लीज। अच्छा उनका माइक बंद है, चलें नेक्स्ट जी प्लीज, और कोई ऐड करें आप, शेयर करें आप। हेलो जी, जी बोलिए प्लीज। सर उसमें ना 1x1 सेशन मैं तो करूंगा, क्योंकि मैं हूँ क्रिकेट कोच सर, तो वार्म अप के बाद मैंने ना उनको नेट प्रैक्टिस करानी है 1 घंटे के लिए, 60 मिनट्स के लिए। उसका बैटिंग सेशन भी करा सकता हूँ और मैं फील्डिंग सेशन भी करा सकता हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो भी टाइम बचेगा 5-10 मिनट वो उसका कूल डाउन में हो जाएगा, ये एक सेशन कम्प्लीट हो जाएगा 1 डे का, 1 दिन का। नेट सेशन जो करवाएंगे उसमें क्या करवाएंगे आप? सर नेट में ना उनके बैटिंग करवानी है, फॉर एग्जांपल क्रिकेट का है तो बैटिंग करवानी है, उनकी टेक्निक्स देखना है उनको, वहीं पे उनका एरर जो भी है वो उनको सॉर्ट आउट करना है वहीं। तो जो आप उसकी टेक्निक डेवलप करेंगे, कितनी टेक्निक्स एक टाइम पे करवाएंगे, कितना टाइम है आपका? 60 मिनट्स। 60 मिनट्स जो एक, कितनी टेक्निक्स करवाएंगे आप? सर उसमें ना 2-3 टेक्निक्स भी होगा शायद, उसको स्ट्रेट ड्राइव करवा रहे हैं या कवर ड्राइव पे, उसी पे काम होगा 2-3 चीज़ों पे ही, क्योंकि ये थोड़ा टाइम है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं नेट्स में। आप सारी चीज़ों को इकट्ठा करवाएंगे या कैसे करवाएंगे? सर 1x1, क्योंकि स्ट्रेट ड्राइव पे या कवर ड्राइव पे एक ही काम होगा 1 दिन में। जी जी, जो आप कवर ड्राइव करवाएंगे या स्ट्रेट ड्राइव करेंगे तो उसको एक चीज़ के ऊपर कितना टाइम लेंगे आप? सर ये 1 दिन तो लग ही जाएगा ना एक सेशन में, एक मतलब कवर ड्राइव मैंने उसको करानी है, उसकी बेसिक उसका सारे टेक्निक्स के थ्रू करानी है। तो जो कवर ड्राइव की आप ट्रेनिंग करवाएंगे एक टेक्निक से ना, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, तो कितने मिनट्स की आप करवाएंगे और कितने ग्रुप है आपके पास, कितने बच्चे हैं? सर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 20 बच्चे हैं, तो 60 मिनट्स में इनफ है। अच्छा कवर ड्राइव की, अच्छा चलें हम इसी चीज को ले लेते हैं कि आप जो कवर ड्राइव आप करवा रहे हैं जी जी, तो आपके पास 20 प्लेयर सबको इक्वली करवा रहे हैं, कितने नेट हैं आपके पास? सर एक ही नेट पे करूंगा। एक नेट है जी, तो जी। आप इस 20 इस एक चीज के ऊपर जो 20 प्लेयर है इक्वली कैसे इनको ट्रेन करेंगे? सर वो 20 में इस तरह है ना, उसमें जो बॉलर है वो बॉलिंग भी करेंगे और जो बैटर है वो बैटिंग करेंगे। तो आपका जो मेन फोकस होगा कौन होगा? सर मेन फोकस मेरा सेशन होगा ये 1x1 सेशन, ये सिर्फ बैटिंग का सेशन करवा रहा हूं, बैटिंग का सेशन फोकस बैटिंग जी। तो आप एक जो टेक्निक से कवर ड्राइव उसके ऊपर कितना टाइम लेते हैं? सर वो टाइम इज इनफ होगा, क्योंकि अगर मेरे पास 8-10 बैटर हैं तो उनके लिए काफी होगा 60 मिनट्स। तो मैं एक कवर ड्राइव को कितनी दफा रिपीट करूंगा? मैं आपका स्टूडेंट हूं, आप मुझे कितना टाइम देंगे एक टेक्निक सीखने के लिए और मुझे आप कैसे डील करेंगे? सर अगर वो बिगिनर है तो फिर तो ज्यादा टाइम लेगा, अगर मतलब अंडर 13 है तो फिर टाइम ज्यादा लेगा, अगर अंडर 16 या इस तरह है उसमें वो जल्दी हो जाएगा। तो आपके पास कौन सा एज कैटेगरी है?
सर मैं लूंगा अंडर 16 लूंगा, क्योंकि उनमें थोड़ी सी अवेयरनेस होती है। 16 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे माशाल्लाह तो ओलंपिक्स 18 में खेल लेते हैं, तो खैर ठीक है, सीनियर है जी तो, सर इसलिए उनके लिए टाइम ये शॉर्ट सही है। अगर अंडर 13 लेंगे तो सर वो टाइम ज्यादा लेंगे। तो मेरा क्वेश्चन वहीं पे होगा, बॉलिंग राउंड में बॉलर्स को, मेरा क्वेश्चन वहीं पे, आपने जो टेक्निक्स है एक कवर ड्राइव की, वो आपने एक प्लेयर के ऊपर कितनी दफा से करवानी है? एक दफा, तीन दफा, पांच दफा, या उसकी टाइमिंग आपने रख लेनी है? ठीक है जी, क्योंकि इसमें तो प्रैक्टिस में तो बॉलर चलते रहता है, उसमें कुछ टाइमिंग नहीं। 5 से 7 मिनट सर उससे लेंगे एक बच्चे पे सर, 5 से 7 मिनट, 5 से 5 या 7 मिनट सर मैक्सिमम 7 मिनट, बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ। 5 मिनट या 7 मिनट? 7 मिनट सर। तो 7 मिनट को आप डिवाइड करें, आपके पास कितने बैट्समैन है? 8 सर। तो 8 ये 7 मिनट में लेंगे तो ये कितने हो गए? 58 मिनट। तो ये कितने मिनट हो जाएंगे? 58 सर। तो ये आप ऑलमोस्ट 1 घंटा सिर्फ ये 8 प्लेयरों पे चलेंगे, एक कौन सी एक टेक्निक के ऊपर आप काम कर रहे हैं? जी सर। सर ये 1x1 सेशन कर लेना, यहीं पे रुकिए, यहीं पे रुकिए, इसको हम आगे इसको प्रोलॉन्ग करते हैं। तो एक टेक्निक के ऊपर आप 8 प्लेयर्स को एक ही सिखा रहे हैं, ठीक है जी, 7 मिनट का उनको टाइम दे रहे हैं, फिर रैपिडली चेंज कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो वेन्यू है या फैसिलिटीज है वो लिमिटेड है। एक नेट अगर दो हो तो डिवाइड कर लेते हैं हम उसको, ज्यादा रैपिडली चले जाते हैं, और आप जो है दो टेक्निक्स के ऊपर काम कर सकते हैं, दूसरे पे चले जाएं अगर टाइमिंग आपकी इतनी है तो। जी, तो उसके अंदर जो 7 मिनट आप करवाते हैं कवर ड्राइव, उसके अंदर क्या बताते हैं आप? सर इसकी जो बेसिक्स है, क्योंकि मैंने वो जो लेवल किया है कोचिंग का, उसमें ये है, सबसे पहले स्विंग स्विंग बताते हैं, हमने जस्ट स्विंग खेलना है, बैट स्विंग, ठीक है? नहीं, ये जो कवर ड्राइव की जो टेक्निक्स है, डिटेल है और माइक्रो डिटेल है, वो मुझे आप बताएंगे, शेयर करेंगे? जी जी सर, ये डिटेल बता रहा हूँ ना, एक तो होता है पूरा आके बंदा डेमो दे देता है ये कवर ड्राइव ऐसे खेलना, इसकी 1x1 स्टेप इस तरह है सर, स्विंग है। सर मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें, मैं भी क्रिकेट कोच हूँ, इरफान और डिविजनल कोच भावलपुर। जी प्लीज बोलिए। सर अगर हम कवर ड्राइव बच्चों को सिखाने जा रहे हैं, सबसे पहले हम उनको मतलब कोचिंग टिप्स देंगे कि आई ऑन द बॉल एंड हेड स्ट्रेट रखना है आपने, फिर फ्रंट फुट निकालना उन्हें सिखाएंगे, पहले उन्हें शेडो प्रैक्टिस करके दिखाएंगे, फिर बॉल स्टैटिक रख के उनको बताएंगे कि आपने ये कवर रीजन है, आपने इस साइड पे शॉट मारनी है, पहले बॉल स्टैटिक होगा, मतलब हम आगे बॉल रख देंगे ना उनके आगे, स्टेशनरी बॉल सामने भी, स्टेशनरी बॉल होगी वहां रख देंगे, फ्रंट फुट निकाल के उन्हें कहेंगे ये कवर रीजन है, यहाँ पे आप कवर ड्राइव मारेंगे, फिर अंडर आर्म थ्रो करेंगे, फिर बॉल जो है ओवर आर्म थ्रो करके उन्हें सिखाएंगे कि ये कवर रीजन है, यहाँ पे आपने ड्राइव मारनी है, फिर एक एक बच्चे को बुला के उनसे प्रैक्टिस करवाएंगे, तकरीबन 5 मिनट जो है उस पर लगाएंगे, हम बाकी चीज़ों को भी फोकस में रखेंगे कि जो क्लोज एंड है नेट का, कि हमारा टाइम भी बच सके, हम एफिशिएंटली यूज़ करें, तो बॉल ज़्यादा दूर ना जाए, बॉल लग के हमारे पास 8 से 10 बॉल्स होंगी, तो हम मिनिमम टाइम में और अवेलेबल रिसोर्सेज में उसको जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश करें। ओके, इसी को मेरा क्वेश्चन और है, तो आप थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं जो टेक्निक्स है, जो डिटेल है इसकी कवर ड्राइव की, बेसिक्स जो है वो बता सकते हैं, थोड़ा शेयर कर ले हमसे प्लीज। जी बेसिक्स यही है कि सबसे पहले जो कोचिंग टिप उनको दी जाएगी कि आपने आई ऑन द बॉल रखनी है, कि बॉल पे नजर, और हेड स्ट्रेट रखना है अपना, और फ्रंट फुट निकाल के इसको सीधा ये कवर रीजन में आपने शॉट मारनी है। सर तो सर इसमें 3 स्टेप होते हैं, स्विंग, स्टांस, और बोल करें, उनको बोलने दे प्लीज, थोड़ा सा आप थोड़ा सा मैं आपकी तरफ आता हूं जी प्लीज। अच्छी पहले वो अपना स्टांस लेंगे, उन्हें हम सिखाएंगे कि ये खड़े होने का स्टांस है, फिर स्टेप लेंगे, फिर उसको शॉट मारेंगे, मतलब उसको स्विंग करेंगे, उनको फिर साथ साथ बच्चों से पूछते भी रहेंगे उनसे कि भी आपने स्टांस कैसे लेना है, बैट कैसे पकड़ना है, वो बेसिक्स जब उन्हें बता देंगे, फिर हम उन्हें बताएंगे ये कवर रीजन है, ये स्ट्रेट रीजन है, ये ऑन रीजन है, ये लेग रीजन है, मतलब उनको पहले
ये सारी चीजें जो अगर हैं 16 ईयर के बच्चे होंगे उनको पता होगा, 13 वालों को थोड़ा सा हम साथ साथ बताते भी रहेंगे, पूछते भी रहेंगे। ओके थैंक यू, चीज क्लैरिटी की तरफ जा रही है, ठीक है। उसमें आप जो आइडेंटिफाई करते हैं उनको बताते हैं कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। यस सर, जी जी। क्या बेसिक क्या होती है, बैट कैसे पकड़ते हैं? सबसे पहले तो है हाउ टू ग्रिप द बैट, ठीक है, जो आपकी ग्रिप है, हाउ टू ग्रिप द बैट। आप लॉन्ग हैंडल पे हैं या शॉर्ट हैंडल पे जा रहे हैं, ठीक है जी। अगर लॉन्ग हैंडल पे हैं तो उसके क्या इंपैक्ट पड़ता है, वी शेप बननी चाहिए, और शॉर्ट हैंड पे क्या इंपैक्ट पड़ता है? एक तो ये हो गया उसका आपका जो लॉन्ग हैंडल के लिए हिटिंग के लिए होता है सर, ज्यादा मोस्टली यूज होता है पावर हिटिंग के लिए। स्टांस जो है आपका ठीक है जी जी। आप क्यों कह रहे हैं कि कीप द बॉल, आई ऑन द बॉल? सर आई ऑन द बॉल होगी तो सही, आप प्रॉपर वहां पे हिट करेंगे, लास्ट टाइम वहां पे देखेंगे तो हिट करेंगे। अगर आपके हेड ऊपर है तो वो ऊपर लग सकता है शॉट, रीच पे नहीं जाएंगे आप अगर आप आई ऑन द बॉल नहीं होगी और स्टेपिंग सही नहीं होगी। इसको क्या कहते हैं, फोकस करना है आपने, ठीक है, फोकस होता है डायरेक्टली आपके बॉल पर, ठीक है, जब वो रिलीज होती है बॉल, जी जी। जब भी डिस्कनेक्ट होती है तो क्या होता है फिर आपका, अगर अनइवन शॉट लगते हैं सर, इंटरप्ट होती है, ये टेक्निक, ये की पॉइंट्स हैं, इसमें क्या मसला आता है सर? अनइवन अपिस शॉट लग जाते हैं, ऊपर नीचे जिस डायरेक्शन में आप मार रहे होते हैं वहां नहीं लगता। आपका जो रिएक्शन टाइम है ना वो बहुत कम हो जाता है, आपके पास जो टाइमिंग है ना वो कम हो जाती है शॉट, और आप वो चीज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जो आप करना चाह रहे, अगर मैं यहां से पकड़ता हूं तो मेरी फोकस नहीं है उसको, ये हो गया, ठीक हो गया। अगर मैं कंटिन्यू देखता हूँ तो मैं कंटिन्यू फोकस है, और क्या है मेरा रिएक्शन टाइम बेहतर है, ठीक है, रिएक्शन टाइम आपका बढ़ता है। चले हम क्रिकेट पे फिर डिटेल में करेंगे, ये टेक्निक्स हैं, डिटेल है जिसको आपने किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर चले जाए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये जरूरी है कि फुटबॉल, हॉकी, सारा, ये जितनी स्पोर्ट्स है उसकी माइक्रो डिटेल है आपने बताना है, कोई चीज वेट लिफ्टिंग में चले जाना तो उसकी बेसिक डिटेल्स है ना सारी, जिस पे आपने फोकस रखना है, उसके बाद उसका की पॉइंट है कि ये मैं ट्रेनिंग इसके करवाऊँ, इसके की पॉइंट्स क्या है जिसको मैंने फोकस रखना है, उसको बेहतर करना है, मगर बाकी डिटेल जो है आपने बतानी होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी ग्रिप, आपके रिस्ट मूव नहीं कर रही, लॉक की हुई आपने, रॉन्ग ग्रिप की वजह से टेक्निक्स डेवलप नहीं होती। आप जब जो बार पकड़ते हैं ये बहुत मेक डिफरेंस है, यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये इतना सेंटीमीटरों में है, इसको यहाँ पकड़ेंगे या यहाँ पकड़ेंगे, ये मेक ह्यूज डिफरेंस, इसकी परफेक्ट ट्रेनिंग है। अगर आप ये क्या कहते हैं हमारे वाले भाई साहब जब बनाते हैं या आप कंपटीशन में जाते हैं तो इसमें इसी डिटेल है ना, आपकी जो ब्रीदिंग है वो क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके ऊपर, आप थोड़ी सी ब्रीदिंग कर लेते हैं तो क्या होता है, कहाँ इसको स्टक करना है आपने, ये माइक्रो डिटेल है इसकी, और इसके ऊपर आप ट्रेनिंग करते हैं, ये मेक डिफरेंस पैदा कर देती हैं ये चीजें। आप फुटबॉल करते हैं या टेनिस या लॉन्ग टेनिस जो भी है, उसकी डिटेल्स है सारी जिसके ऊपर आपने फोकस रखना है, एक चीज के ऊपर एक ही टाइम पे आप काम करेंगे। आप कभी भी एक टाइम पे चार चीजों पर काम नहीं कर सकते क्योंकि आपने उसको स्टार्ट करना है, फिर उसको प्रोग्रेशंस में लेके जाना है, ये नहीं कि टेक्निक्स पे फोकस करना है और शाम को गेम करवा दें या कल खेल दें, नो वे। उसी ट्रेनिंग सेशन को आपने ऐसे प्लान करना है कि मेरा ये 1 आवर्स का है या मैंने इसको 30 मिनट्स पे लेके गया हूं, पहले टेक्निक्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, ये टेक्निक्स मैं डेवलप कर रहा हूँ, इसको 5 मिनट मैंने करवाना है। अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल आप करवाने के बाद आप उसको रियलिस्टिक सिचुएशन में लेके चले गए हैं, कौन सी गेम सिचुएशन में ले जाएं, बिल्कुल गेम में ले जाएं। अगर आप ये कवर ड्राइव की बात करते हो, आप नेट ट्रेनिंग करने के बाद क्या करेंगे उसको, तो कल वो क्या करेगा, रियलिस्टिक क्या है, उसने तो मैच खेलना है, तो मैच में तो नेट नहीं होता, क्या करेंगे आप? तो आप उसको उसी चीज को रियलिस्टिक में आप सिनेरियो क्रिएट करेंगे, उसको इम्प्लीमेंटेशन उसमें करवाएंगे, एग्जैक्टली मैच सिचुएशन ट्रेनिंग पे लेके जाएंगे, फिर एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि नेट के अंदर तो बेहतर है, वहां पे इसको प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, इसका डिसीजंस, इसके प्रॉब्लम्स, इसके टेक्निक्स, रिएक्शन टाइम इसका, इसके फैसले, इसकी बॉडी पोजीशंस, कहां एरर आ रहा है, फिर आप इजीली एनालाइज कर सकते हैं उस चीज को। जब आप वहां पे उसको एनालाइज करेंगे, नेक्स्ट डे फिर आप उसको ट्रेनिंग करवाएंगे,
वो एग्जैक्टली अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएगा। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जिसे ट्रेनिंग का टेम्परामेंट और होता है और कंपटीशन का और होता है। अगर आप जो ट्रेनिंग करवाते हैं सिर्फ ट्रेनिंग की हद तक ही करवाते हैं, आप एक्सपेक्ट ना करें कि आपको मैच में वो रिजल्ट मिलेगा जो आप चाहते हैं, मगर ट्रेनिंग आपने नहीं कराया। ट्रेनिंग इज अ पार्ट ऑफ गेम। हकीकत 100% ये ही है कि आपने जो ट्रेनिंग करवानी है उस एथलीट ने वो ही परफॉर्म करना है, वहां पे जाके वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं ना कि एक टेक्निक से, उसकी प्रोग्रेशन से, उसकी गेम सिचुएशन पे लेके जाना, ट्रेनिंग को फेसेस में लेके जाना है। गेम सिचुएशन क्रिएट करेंगे आप ट्रेनिंग के अंदर ही, फिर जब वो मैच में जाएगा या किसी कंपटीशन में जाता है तो उसके लिए आसान ही होती है क्योंकि उसने ट्रेनिंग की हुई है। अगर उसने टेक्निक्स के ऊपर आपने काम किया है, वहाँ इवन जो गेम जो अपना टीम स्पोर्ट्स है या इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं, वो तो सिर्फ टेक्निक से के बॉक्सिंग कर करके सारा डेवलप हो गया, वहाँ तो रियल बंदा है, ह्यूमन है उसके सामने, उसकी तो प्रिपरेशन डिफरेंट हुई है, उसने वो टेक्निक्स को कैसे इंप्लीमेंट कर रहा है, टेक्टिकली वो कैसा परफॉर्म कर रहा है वहाँ पे, उसके डिसीजन वहाँ पे क्या है, मेंटली वहाँ पे वो कितना प्रिपेयर है। तो ये आपने वही सिचुएशन एग्जैक्टली मैच वाली आपने ट्रेनिंग में करवानी है और ग्रेजुअली ही करवानी है, सारी चीजें इंप्लीमेंट नहीं करनी एक टाइम पे। अपना ट्रेनिंग सेशन प्लान करेंगे कि आज ये है, कल है, उसको प्रोग्रेशन ऊपर लेके जाना है, फिर जब एग्जैक्टली वो जाएगा आपके उसके इवेंट्स के अंदर, उसके लिए वो चीज नई नहीं है, वो ट्रेंड हुआ, मेंटली ट्रेंड हुआ, साइकोलॉजिकल ट्रेंड हुआ, वो उसको पता है इसने, क्योंकि आपने ट्रेनिंग के अंदर वो सिचुएशन बनाई है उसके लिए, आपने वो सिनेरियो क्रिएट कर दिया था उसके लिए कि ये होगा वहां पे और होता है, तो उसके लिए वो चीज नई नहीं है, सरप्राइज नहीं होता। सर ट्रेनिंग में उनका जो मोराल होता है और होता है, और जब जाते हैं कंपटीशन में जाते हैं तो वहां पे बेशुमार थ्री टार में देखे होंगे अपनी परफॉर्मेंस लूज कर देते हैं, तो वो जो मौके का प्रेशर होता है सामने को अच्छा हरीफ आ, जैसे नीरज चोपड़ा आ गया कोई आ गया तो मैं उसका प्रेशर ले गया हूं, तो मैं अपनी वो जो आप कह रहे थे, मैं आप चाहें या ना चाहें, अगर आप चाहते हैं ना कि हाई परफॉर्मेंस एथलीट्स तैयार करें, आप उस कंपटीशन में जाए उसके लिए कोई मसला ना हो, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व ना हो, एंग्जाइटी में ना जाए वो, तो फिर ये आप करना पड़ते हैं। चलो यार क्या होगा सब। ठीक है जी, तो ये आपने चीज मद्देनजर रखनी है। बाकी क्विकली मैं आपको रिमाइंड हम कर चुके हैं ऑलरेडी कि आपने जो सारा बैलेंस जो है ना अपना रखना होता है सेशन के अंदर, जो चीज़ें हैं ग्रेजुअली लेके जानी है, और ये फिटनेस कंपोनेंट हैं वो फिजिकल फिटनेस का है। मैं डायरेक्टली सेशन की तरफ जाता हूँ आपके, ये है ये मेंटल एंड फिजिकल कॉन्टेक्स्ट है ना, मेंटल स्किल है आपकी, डिसीजन मेकिंग है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, मेंटल थॉट होती है, इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर जो होते हैं, ठीक है जी। ये एक टोटली बड़ा टॉपिक है ये वाला। टीमें बहुत सारी ऐसी हैं जो फिजिकल और मेंटल ट्रेनर उनके साथ होते हैं, ठीक है जी, वो कोच के साथ होता है, वो ट्रेनिंग उसकी सेशन होते हैं, ठीक है। और अभी प्रीवियसली मेरा एक्सपीरियंस जो अभी 45 डेज़ के लिए एक हमारे हमसाय कंट्रीज ने जो उनका पहला क्रिकेट का साउथ अफ्रीकन मेंटल ट्रेनर 45 डेज़ के लिए उन्होंने उनको हायर किया हुआ अभी उनके साथ है हॉकी के साथ, और आपको सरप्राइज होगा कि उसकी वन डे की सैलरी जो है वो $1200 है, ठीक है। और 45 डेज़ के लिए हम डेली मिलते हैं, पता है सारा कुछ, और अभी वो ओलंपिक की क्वालिफाई किया टीम वहाँ पर चली गई है, वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर वो साथ हमसाय जो उनके साथ है, और पहले उनकी नेशनल क्रिकेट के साथ, तो वो बहुत
डिफरेंट किस्म की, वो हमने सेशन करते हैं उनके साथ, तो वो बहुत ज़्यादा ना एडवांस उस पर चले गए, मेंटल ट्रेनर उनका, साइकोलॉजिकल फैक्टर जो इन्वॉल्व होते हैं उस पर, ये से इसकी बात कर, ये जो आप कहते हैं ना एग्जाइटी आ जाती है और अच्छे हैं आप वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो वो आपको चाहिए होती है उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है, जो होता है आपको ने अपने प्लेयर को मोटिवेट करना होता है, और ये साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग जो होती है ना पहले दिन से स्टार्ट होती है, ये कोई अलग चीज़ नहीं है, माइंड को आपने उसी तरह उसको प्रिपेयर करना रहता है, मोटिवेट उसको कॉन्फिडेंस देना होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको बनाना होता है, उसके पास सिनेरियो क्रिएट करना है, इंडिविजुअल मोटिवेशन करना होता है, ये चीज़ें साथ करेंगे तो जो ना हाई परफॉर्मेंस जाके वो अच्छा डिसीजन लेता है, उसके लिए चीज़ नई नहीं होती, वो ट्रेनिंग के अंदर आपने करनी होती है, वो उसकी खास चीज़ नहीं। अब आपको हमारे पास अगर मेंटल ट्रेनर नहीं है, वो नहीं है साइकोलॉजी साइकाट्रिस्ट नहीं है, तो आप ये चीज़ें खुद भी कर सकते हैं, उसको जितना तक आपका उसकी हेल्प तो अपनी करनी है ना, इसको साइड पे नहीं रखनी होती। और ये जो है ना अपनी मेंटल ट्रेनिंग जी, उसके बाद आपने जो डील करते हैं इमोशनल आ जाते हैं आपको, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, मैच होना है तो उसके पास आप पहले कहते हैं कि मैच अभी के शुरू हो जाए, वो एंगजाइटी आ जाती है, आप बहुत अच्छे हैं मगर वहाँ पर क्या होता है एकदम आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, एंग्जाइटी में आप क्या करते हैं आपके हाथों में पसीना आना शुरू हो जाता है, आप बार बार वॉशरूम जाएंगे, आप एक साइड पे हो जाएंगे, पसीने आना शुरू हो जाते हैं, देखो है ना प्लेयर का, ये आपने ट्रेनिंग के दौरान रखनी है सारी चीज़ें, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग उनके साथ रखनी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो तब होता है जब आप कोच को सीखना है, कोच ने गाइड सीखना है ना, मैं मेरी बात वो नहीं है कि नहीं आता, मैं क्या मैं इस चीज़ का कायल नहीं कि आपको आता नहीं, आपको आता है, आप सिर्फ उसको थोड़ा सा जिद्दत लाएँ, इन चीज़ों को सीखें और करें। और उसके बाद जो डिसीजन मेकिंग होती है ना बाज का, ये हमारे प्लेयर्स जो है ना वो लेकर जाते हैं, वो तब होते हैं जब आप ट्रेनिंग के अंदर उनको सिनेरियो क्रिएट नहीं किया, फैसला करने की सलाहियत जो होती है गेम का सिनेरियो आपने ऐसा क्रिएट कर देती है कि वो इसमें कैसे फैसले करते हैं ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है, जो मेंटल थॉट है आ जाती है और ज़्यादा ज़्यादा सोचना शुरू करते हैं, रात को आप सोते नहीं है, ये कोई इस ये काफ़ी जो है ना वो तब होता है जब वो कॉन्फिडेंस नहीं होता चीज़ के अंदर, एंग्जाइटी में चलना के सर आप कह रहे हैं कि सिनेरियो उस तरह का जनरेट करना चाहिए जो रियल लाइफ सिचुएशन होगी, तो उसका सर या तो हम मैचेस करवाएं या फिर क्या सर तरीका कर हो सकता है? अब ये जो टीम स्पोर्ट्स है ना तो उसी वक्त जो है ना वो ट्रेनिंग के अंदर ही ऐसा कंपटीशन अरेंज कर देते हैं कि आपके पास अभी फॉर एग्जाम्पल आप 3-2 से हार रहे हैं या आप 3-0 से हैं, आपके पास सिर्फ 7 मिनट रह गए और आपने जो है ना मैच ड्रॉ करना है, ये सिनेरियो मैंने क्रिएट कर दिया, या ऐसे करते हैं कि आपने ये मैच जीतना है, तो वो जो ट्रेनिंग मैंने करवाई है ना ऑप्शंस के ऊपर, ऑप्शन 1, 2, 3 कि ये सिचुएशन होगी तो हमने ये ऑप्शन क्रिएट करना है, इतने इतने रिस्क इसमें लेने हैं, जब हम जीत रहे होंगे तो हम कहेंगे हमने ये रिस्क नहीं लेते, हमने सस्टेन करना है इसके ऊपर, या हम मैं आपकी तरफ आता हूँ, अगर हम एक गोल से हार रहे हैं तो हमने इसको इतना टाइम ना हमें ड्रॉ की तरफ जाना है, ड्रॉ भी हमारे लिए ठीक है, तो उसकी ट्रेनिंग हमने करवाई हुई है सिचुएशन, वो सिचुएशन क्रिएट करवा के ट्रेनिंग के अंदर वो उसकी करवाई जाती है ट्रेनिंग, स्ट्रेस ट्रेनिंग टाइम स्ट्रेस ट्रेनिंग करवाते हैं, टाइम भी कम है और स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा है कि यार हारना भी नहीं है, ड्रॉ भी करना है, टाइम भी कम है, गोल भी कम है, अभी करें क्या, बता क्या मैं कुछ नहीं होता, वो तो गिव अप कर गया, वो ट्रेनिंग के अंदर आपने करनी जी, आप कुछ कंपटीशन स्ट्रेटजी बनानी, कंपटीशन की स्ट्रेटजी है ना, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी आपकी, आपने कल बताया था कि आप टीम कैप्टन को कहेंगे कि यार आप खुद ही प्लान करो, खुद ही परफॉर्म करो, एक कभी कभी हम उनको ट्रेनिंग के अंदर दे देते हैं ट्रेनिंग के, क्योंकि हम देखते हैं कि वो जो हम करवा रहे हैं वो मेंटली कितने स्ट्रांग हो चुके हैं, उनके फैसले कितने बेहतर हो गए, वो कितनी अवेयरनेस रखते हैं इस चीज के बारे में, खुद से लेकर कैसे चलते हैं वो, हाँ वो, ताकि क्योंकि प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो गेम है जो मैचेस है उसके अंदर तो परफॉर्म उसने करना ही है ना, डिसीजन उसने लेना है कि आपने लेना है, आपने सिनेरियो क्रिएट किया, ट्रेनिंग करवा दी, ऑप्शन दे दिए, मगर कोई ऐसी चीज होती है जो आपके ऑप्शन से हट के आ जाती है, वो क्या उस पे बाउंड रहेगा जो आपने बताया या उस सिचुएशन के साथ उसको डील करेगा, मौके पे फैसला लेगा, तो आप जब इसकी ये करेंगे डिबेट जिस पे उठा के ट्रेनिंग में ये करवाओ ये है इसको देखो जरा, वो सिनेरियो क्रिएट कर देते हैं आप, उनको खुद जो उसमें सलाहियत पैदा कर देते हैं सोचने की, गेम की अवेयरनेस बढ़ा देते हैं उसके अंदर, उसमें क्या होता है वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होना शुरू हो जाता है कि यार ये चीज है, उस पर सोचता है कि इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं, वो एक तरीका है, तो करवाया सर जैसे इंडिया और पाकिस्तान का पिछले दिनों मैच हुआ सर, क्राउड भी उनका है, ग्राउंड भी उनका है और तकरीबन ऑलमोस्ट सारा क्राउड उनका था,
तो उसकी सर हम किस तरह से करवा सकते हैं कि हम जो आप कह रहे हैं तो किस तरह से उसकी वो रिहर्सल करा सबसे सकते हैं? पहले वो देखना मेंटल स्किल क्या है, डिसीजन मेकिंग क्या है, मेंटल थॉट क्या है, बस देखना परफॉर्म अंडर द मेंटल फिजियोलॉजिकल इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर। इंटरनल अपना प्रेशर, एक्सटर्नल क्राउड का वे, दुआ वे, दूसरा इसको कैसे डील कर, इसकी ट्रेनिंग है ना। ये बड़ा लंबा सेशन है, मैं इस पर ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो आगे मेरा काम रुक जाएगा। तो ये चीज़ें मैंने कुछ जस्ट आपको बताई। ये इमोशनल जो है ना कुछ नहीं होते, बहुत इमोशनल नहीं होते, आपने सिंपल चीज़ें करनी होती। जहाँ क्या मैं पॉइंट ले सकता हूँ तो मुझे दिखा के करने की क्या जरूरत है कि मुझे ताड़ी लगे, वो इमोशनल है, वो आप लूज कर जाते। नो वे, उसमें कोई इमोशनल चीज़ें नहीं होती। स्ट्रेट वे जो चीज़ है, जो करनी है, जो रियलिस्टिक है, वो करें। इमोशनल अपनी जगह, और सेल्फ टॉक जो होता है ना आपका, मेंटल एमर्जी सेल्फ टॉक, क्योंकि बंदा आपस में बातें करता है। ठीक है ना, कभी कभी आप यार ये आज क्या कर दिए, कभी पहले इसे आउट करना है, इसे इधर मूव करना करते हैं ना आप सेल्फ टॉक, सेल्फ उसमें सेल्फ मोटिवेशन भी होती है, खुद मोटिवेशन करता है। वो क्या होता है, वो यस मैं कर सकता हूँ और मैंने मैंने कैपेसिटी है, एबिलिटी है, वो सेल्फ मोटिवेशन होती है। फिर कोच मोटिवेशन करते हैं, मेंटल स्ट्रांग करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल जब आएंगे ना कभी फिजिकल फिटनेस के ऊपर, तो ये चीज़ें मेंटली साइकोलॉजिकल, और मेरे ट्रेनर दूसरे साथ आएंगे तो हम इसको डिटेल में नेक्स्ट टाइम जरूर करेंगे। इसके ऊपर हम जाएंगे, 60 मिनट का सेशन होगा, और इसमें हम बताएंगे आपको कि ये पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है। फिर तो हम जस्ट जो है आपको सिर्फ 3 मिनट की ब्रेक दे रहे हैं, ठीक है जी। आप स्ट्रेच कर लें, फ्रेश हो जाएं थोड़ा सा। हाँ नहीं होता है, आप में ऑफ नहीं होना, ठीक है जी। 3 मिनट्स में आपको, 5 मिनट्स ब्रेक ले लें आप जी प्लीज।
अस्सलाम वालेकुम परवेज साहब। आपका माइक बंद है। किसका माइक बंद है? इजाज साहब, इजाज साहब जी ग्रेट, इजाज साहब आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है, आपकी आवाज तो आ रही है। तो आपकी अब आई है? आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज शायद नहीं जा रही। जी, वो क्या हो गया था, वो बंद हो गया था। अब चल रहा सर। ओके प्लीज थैंक यू, खत्म कर दें आप चाय वगैरह तो हम स्टार्ट कर दें। हमें तो चाय पी नहीं जा सकी, मौके नहीं मिला सर। बड़े क्विक आप वापस आए। हमारी आवाज नहीं जा रही। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर, आप ठीक हैं जी? पालक साहब आप फ्री से? आप सुबह से नजर नहीं आए मुझे। सुबह मैं चार मरतबा बोला हूँ ना, ना मेरी आवाज गई है ना मेरी शक्ल गई है, पता नहीं क्या चक्कर हुआ है। चले आप हमें सुन पा रहे हैं सुबह से? हाँ सुन तो रहा हूँ, सुबह से सुन रहा हूँ, साथ साथ ये इतना कुछ लिख रहा हूँ साथ साथ, ये देख लें, सुबह का लगा हुआ आपके साथ, लेकिन मेरी आवाज नहीं जा रही। चले चले कोई बात नहीं, चले जी स्टार्ट करते हैं। मुलाकात हुई है जी इसी ऑफिस में जहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल जी। और नहीं कल आपके अटक के हाथी वाले आए हुए थे, बड़े अच्छे खेल के गए हैं, कल हमने इंटर डिस्ट्रिक्ट टीम बनाई है। मगर आप उनको अकोमोडेट करें, उनके साथ 21 साल वाले लड़के तो ना खिलाए। अब आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी बात करते हो रियलिस्टिक, तो रियलिस्टिक होना चाहिए वो छोटे। हाँ वो रियलिस्टिक आपके डोमेन पे है हमारा, वो FRC फार्म के बगैर तो हम सबको आउट कर देंगे ना जी। वो मेरे पास हमारे पास एशिया में आते हैं आपके 25 साल वाले 18 साल की एज लिखवा के, तो मलेशिया बाकी एक लड़के ऐसे नजर आ रहे थे, तो उन्होंने कहा जी हम प्रोवाइड करेंगे एफसीफाम, हमने प्रोवाइड तो हो जाता है। चले आई नहीं, इट्स अ डिफरेंट बिजनेस, सॉरी हम ऑनलाइन हैं तो अभी हम स्टार्ट कर लेंगे सेशन प्लानिंग फॉर एग्जांपल। मैं आपको एक एग्जांपल है आपके सामने के 60 मिनट्स का एक सेशन है। आवाज का इशू आ रहा है हमें, आपकी आपको मेरी आवाज आ रही है? 60 मिनट्स का आपको मेरी आवाज आ रही है सबको? प्लीज अगर किसी को आवाज नहीं आ रही तो बोलिएगा जी। सबको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम जी सर। आ रही है सर, आ रही है। चलें जी, बहुत अच्छा, चलें जबरदस्त। हम एक जो है ना एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल है प्लान 60 मिनट का। नवर साहब आवाज आ रही है? जी जी ठीक है, ओके थैंक यू। सबकी आवाज आ रही है सही। 60 मिनट्स का एक एग्जांपल है सेशन, एक घंटे का, कि वो आप के सामने मैं रखता हूं।
आपकी डिफरेंट स्पोर्ट्स के आप अपने टाइमिंग सेट करते हैं, किसी का 30 मिनट्स का होगा, 40 का, 60 का, 90 मिनट्स का, ठीक है जी, वट एवर। मगर एक चीज जो है, जो कॉमन है, जो आपने सेशन करवाना है सारी स्पोर्ट्स में, वो है उस ट्रेनिंग सेशन के प्रिंसिपल। वो जो प्रिंसिपल है ना, उसको आपने जेहन में रखना है, उसी के ऊपर ही अपना सेशन आपने बनाना है। सबसे पहले आप जिस चीज को देखते हैं, जो हम लास्ट 30-40 मिनट्स डिस्कस कर रहे हैं, जो चीजें हैं, सेफ्टी, वो आपने सबसे पहले देखना है, इक्विपमेंट आपने देखना होता है, एज ग्रुप आपने देखना होता है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको रिपीट नहीं करता। जो कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो हमने पढ़ी हैं पहले 2 दिन से वर्कशॉप्स के अंदर, रिस्क मैनेजमेंट पूरा आपने देखना। जब आप ट्रेनिंग सेशन ये लॉन्च करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मेरा आज इवनिंग है या मॉर्निंग का सेशन है, तो ये बेस करता है मेरे प्रीवियस सेशन के ऊपर, कि कल जो मैंने ट्रेनिंग करवाई थी उसमें कौन सी चीजें कम रह गई हैं जो मुझे रिपीट करनी है फर्दर प्रोग्रेशन में लेके जाने के लिए, या उसको मैंने रिपीट करना है। वो दूसरे दिन का सेशन है आपका आज, फॉर एग्जाम्पल शाम का सेशन, मैंने प्लान ऑलरेडी मॉर्निंग में कर लिया है इसको, अभी इनफ मेरे पास टाइम है, जब मैं गाऊंगा तो मेरे पास ट्रेनिंग सेशन ऑलरेडी इन माइंड है कि ये चीज़ें मैंने करवानी है, ना कि मैं ऑन द स्पॉट कुछ करूं। तो जो ट्रेनिंग सेशन है ये आप करवाते हैं 60 मिनट का, इसका आउटकम आपको पता होना चाहिए, इसका जो मैंने करवाना है और उसके बाद जिसका आउटकम निकलना है, इसका नतीजा क्या निकलना है, ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो आप जो इंट्रोडक्शन करवाते हैं, सबसे पहले जब एथलीट्स आप इकट्ठे होते हैं, प्लेयर को आप असेंबल करते हैं, लाइन अप करते हैं, तो सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन होगा, वो कितने मिनट्स का करवाएंगे आप? 5 मिनट। 5 मिनट में आप क्या बताएंगे, क्या करेंगे? एक चीज बताइए, 5 मिनट में आप क्या करेंगे इंट्रोडक्शन में? सर इंट्रोडक्शन में इतना देना होता है, बच्चों का लेना होता है, बताना होता है, उसके बाद गेम के बारे में अवेयरनेस देनी है उनकी, जो चीज आप सिखा रहे हैं उनको, मतलब एक अगर चीज सिखा रहे हैं उसके बारे में। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। एक दो और दोस्त ऐड करें फिर मैं फर्दर चलूं जी। बोलिए सर, जो सब्जेक्ट है सर, आपने आपका जो ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव है, एक तो वो आपने क्लियर कर देना है एथलीट्स को कि ये चीज हमने आज ये करवानी है, ये हमने करवानी है, उसका ये आउटपुट हम लेना चाह रहे हैं। फिर उसके फेसेस हैं, पहले पार्ट्स में हमने क्या करना है, उसको आगे सेकंड प्रोग्रेशन फेस में हमने क्या करना होगा, ये कितने मिनट होगी और ये कितने मिनट्स को हम डिवाइड करेंगे, टाइम जो है वो डिवाइड करके ये बता दिया आपने। जब आपने ये चीजें बता दी तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि जो आपके जो एथलीट्स हैं, प्लेयर्स हैं, उनको पता चल गया? कैसे पता चलेगा? क्या पूछेंगे आप, कैसे करेंगे सवाल, क्या आपके जहन में आ रहा है? कैसे सर, उनसे प्रैक्टिकल करवा के, डेमोंस्ट्रेशन भी आपने करवा दी है, बता भी दिया है, फिर भी आप एक्सप्लेन भी आपने कर दिया है, फिर ये कैसे आप कंफर्म करेंगे कि उनको पता चल गया? कैसे क्वेश्चन करेंगे? नहीं, अभी आपको पता है, मैंने तो बता दिया, आप कोच है, आप कैसे पूछेंगे? सर उनसे पूछेंगे भी जो चीज उनको आज सिखाई उनको क्लियर हुआ है, वो अगर कोई चीज उनको नहीं समझ आई तो वो दोबारा रिपीट करके पूछ। नहीं, ट्रेनिंग तो स्टार्ट ही नहीं हुई, ये तो इंट्रोडक्शन चल रही है, ट्रेनिंग तो आगे चलनी। मुझे आपने एक ऑब्जेक्टिव दिया है, मुझे सब कुछ प्रैक्टिकल बता दिया, एक्सप्लेन करते ये अब चीज हम करने लगे हैं, ये होगा ये एक घंटे के अंदर, ठीक है, तो फिर आपको कैसे पता मुझे पता चल गया? कैसे पूछेंगे, वो तरीका क्या है? कैसे सर,
सर इजी लैंग्वेज में जिसमें वो समझ सके, पंजाबी जी दसो कि तनु की, हां पंजाबी दस इजी लैंग्वेज में, बिल्कुल उस दी जुबान च पूछ लो जो उन पता हैगा उनु पास्ट तो पंजाबी जी उसी च पूछ ले, उसमें पूछ ले पहले पानी की पता है जो दसया है ओकर मैंने सेम जवाब दे दिया ठीक है के समझ जी एग्जैक्टली जी ये सिंपल सक बोली है। हां जी ये अभी हमने करवाना है, ये प्रैक्टिकल मैं आपको बता देता हूं जी, ठीक है ऑब्जेक्टिव सारे बता दे, यही चीज करनी, तो फिर शायद दो को समझ चार को समझ ना हो तो आपने मेक श्योर करना है, क्योंकि ये प्री सेशन है चीजें इंट्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि उसके अंदर वो चीजों को समझ आना, इंटरप्ट नहीं करेंगे आप बार बार, उधर गुंजाइश नहीं है कि बार बार फिर समझाएं फिर बताएं, उसको करेक्शन फीडबैक होती है उसके अंदर, वो रोक रोक के फिर पांच मिनट नहीं समझाया जाता, मैंने देखा बहुत ट्रेनिंग सेशन में आपके पांच मिनट ब्रेक कर उसमें समझाया जाए, इतना लंबा क्या समझाना है आपने, फीडबैक देनी है, बताना तो पहले आपसे, सिंपल से क्वेश्चन है जी आपको ये समझ लग गई है, वो कहेंगे जी समझ लग गई, अच्छा क्या समझिए आप, जब उसने कहा समझिए तो आपने मेक श्योर करना है, उसने कह दिया ठीक है मुझे समझ लग गई है, तो आप कैसे मेक श्योर करेंगे इसको वाकई समझ लग गई है, आर दे अंडरस्टैंड एग्जैक्टली दे अंडरस्टैंड, मेक श्योर आप करेंगे तो फिर रिपीट क्वेश्चन करेंगे उसके ऊपर जी आपने क्या समझा है, तो कहें हाँ जी, तो कहें ये चीज, हाँ जी मेक श्योर, किसी और को, हाँ जी चलो बताओ, वो क्या होगा जब बताएगा तो जिसको नहीं भी समझ आई तो उसके थ्री आपने उसको टीच कर दिया, बजाय आप अपना पूरा लेक्चर देने के चक्कर में ना रहे, वो ट्रेनिंग वो सेंटर है ना टीचिंग अप्रोच जो आपकी जो लर्निंग सेंटर्स है वो आपकी एथलीट्स हैं उनको कैसे आपने उसको सिखाना, तो ये मेक श्योर आपने करना होता है 100%, इसके बगैर आप ट्रेनिंग करवा देंगे बाद में तनु समझ नहीं सी आई, उनके सर मैंने तो कुछ नहीं ऐसी पूछना सी ना, तो आपने पूछा था कि आपको समझ आइए, तो वहाँ फिर डिबेट आधे में रास्ते में शुरू, ये प्री प्लान आप करेंगे तो ये इफेक्टिव ट्रेनिंग सेशन नहीं रहता जब आप इंटर जाके सेंटर में जाके ये चीज़ें फिर डिबेट शुरू कर देते, तो ये मेक श्योर होना चाहिए, ये मैक्सिमम 2 से 3 मिनट होती है, कोई लंबी 5-5, 6-6 मिनट में खड़े होकर ये नहीं बताई जाती, एक चीज मुझे बता दी ये करना, ये टेक्निक्स है इसके ऊपर काम करें, उसके बाद आगे ये कर लें, चले हेल्थ पूछ लेते हैं सारी कुछ चीज़ें पूछने के बाद आप जो है वो बता दें सारी चीज़ें, फिर आपका वार्म अप कितना होता है, मैक्सिमम कितना वार्म अप करते हैं, 10 से 15 मिनट डिफरेंट स्पोर्ट्स का, 10 मिनट में तो आपने दो कोई भी स्पोर्ट्स से उसके आपने 5-7 मिनट तो जॉग 5-4 मिनट तो जॉग करती हैं, डिपेंड करता है वेदर क्लाइमेट्स के अंदर, वो तो आप 5 मिनट करती हैं ना जॉग, बॉडी कैसे वार्म होती है सारी हीटअप, मतलब जॉग आपने किया उसके बाद आप वो मैं वार्म अप और कूल डाउन के साथ उसमें देखता हूँ, तो आप करते हैं 15 मिनट्स 10 मिनट्स में आपने वो स्ट्रेच चूज कर लिया, डायनामिक स्ट्रेच की एक्सप्लोरेशन रन आपने कर लिया, जिगजैग जो भी आपने करना है आप थोड़ा सा करके, उसके बाद आप जो करेंगे ना वो वार्म अप नहीं है, वो फिजिकल ओवर ट्रेन फिजिकल फिटनेस, क्योंकि आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव कोई टेक्निक डेवलप करना है, फिजिकल फिटनेस तो नहीं है ना कि 15 मिनट के बाद आपने फिर उनको वो दौड़ाना शुरू कर दिया कि अभी वार्म अप सही नहीं हुए, नहीं वार्म अप बॉडी हो गई है ठीक है, स्ट्रेच होगी मस्कुलर आपने सारे स्ट्रेच किए, डायनामिक स्ट्रेचिंग कर लिया, फ्लेक्सिबल होगी बॉडी रेडी, हाँ ये डिपेंड करता है कि जो आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं उसके मुताबिक से आपने वार्म अप करवाया है, ये चीज़ देखना आप कि आपकी ट्रेनिंग सेशन जो है बड़े सीनियर जो है उनकी इंटेंसिव ट्रेनिंग है, उसने लोड ज़्यादा उठाना है तो आपका वार्म अप जो है वो उस तरह उसके बराबर नहीं है, तो क्या होगा वहाँ पे इंजरी फैक्टर्स है और वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, बॉडी पूरी मोबिलाइज नहीं हुई, जॉइंट मोबिलाइज नहीं हुए, मस्कल पूरे स्ट्रेच नहीं हुए, फ्लेक्सीबल नहीं हुए, कहीं भी इंजरी हो सकती है, ये ध्यान में रखना, कभी आप एक्स्ट्रा वार्म अप करवाते हैं वहाँ आपने स्टैटिक ट्रेनिंग करवानी है, तो बैलेंस रखना आप वार्म अप जो नेक्स्ट जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं उसके हिसाब से आपने देखना है वार्म अप करना, ठीक है जी, और उसके बाद ये वार्म अप 15 मिनट्स आपके चलेगी, 15 मिनट में ये बस ये काउंट इसमें ख़त्म करना है आपने, फिर आप अगर देखें तो 15 मिनट्स में एक टेक्निक, जब हमारे दोस्त बात कर रहे थे कि हम एक कवर ड्राइव करते हैं या फुटबॉल की किकिंग की करते हैं या किसी भी एक टेक्निक के ऊपर काम कर रहे हैं, तो एक टेक्निक के ऊपर क्या करेंगे आप 15 मिनट, बीच में आपने ब्रेक भी देनी हल्की सी उसको, एक टेक्निक्स पे आप रैपिडली काम कर रहे हैं अपने ग्रुप के हिसाब से, एक टेक्निक्स आपने पकड़ी
जिसमें वो वीक है, या आप एक एक टेक्निक के ऊपर काम कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट टेक्निक पे काम कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट टेक्निक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। जब एक 15 या 10 मिनट्स की टेक्निक्स पे आपने काम किया एक के ऊपर, आप उसकी कैसे लेके जा रहे हैं, पहले उसकी माइक्रो डिटेल देख रहे हैं, बेसिक चीज देख रहे हैं। अगर आप डायरेक्टली इसके अगले स्टेप पे चले जाएंगे तो ये पहले वाला स्टेप जो है उसकी जी स्टार्ट जो है उसका वहां एरर है। आप अगले स्टेप पे काम करें, काम उसी पे कर रहे हैं टेक्निक्स, मगर पहला स्टेप जो है वो मिसिंग है, तो ये टेक्निक्स आगे डेवलप होगी तो ये जो एरर है आगे चलता जाएगा। वहां जब जाएगा हाई परफॉर्मेंस में तो ये उसके सामने आएगा, उसकी परफॉर्मेंस इतनी इतनी नीचे रहेगी। तो आपने वो एनालाइज कर वो टेक्निक्स को उसकी डिटेल में जाने, आपने उसने किया उसको, उसी टेक्निक्स को आप थोड़ा सा प्रोग्रेशन में लेके जाए, सिचुएशन में लेके जा रहे हैं, स्टैटिक है डायनामिक्स में चले जाए, हर स्पोर्ट्स की अपने डायनामिक्स है, उसी तरह उसको टेक्निक्स को। अभी बॉक्सिंग खड़े होकर तो नहीं ना होती, पंच आप कैसे करते हैं, खड़े होकर मारते हैं, तो मुझे ये करनी है तो मुझे खड़े होकर करना है, तो कोऑर्डिनेशन है ना मेरी, तो डायनामिक्स है ना। हॉकी में पहले कहते खड़े होकर बस लगे रहते हैं टकर, अभी हॉकी में कहाँ खड़े होकर बॉल खेला जाता है, बस तो हो गया एक दो मिनट तो उसके बाद डायनामिक्स है, मूव मोबिलाइजेशन होती है, मोबिलाइज है सारे डायनामिक्स के हिसाब से अपने ट्रेनिंग करवानी, जैसे एग्जैक्टली गेम को टच करती है, क्योंकि वो जो टेक्निक्स है वो फर्दर डेवलप होने टैक्टिस में, यहीं से आप उस टेक्निक्स को टैक्टिकल रिलेटेड करेंगे, गेम सिचुएशन के हिसाब से उसको बिल्ड करेंगे, ताकि जब वो आगे जाए यहां से उसने स्टेप्स का आगे उसको और आसानी होगी प्रोग्रेशन में। यहाँ स्टैटिक्स है, वहां डायनामिक्स है, यहाँ खड़े होगी आगे मोबिलाइजेशन होगी, तो इसने आपने तो 15 मिनट स्कूटर नहीं ये करवा दिया, आगे तो टोटली मोबिलाइज है सारा कुछ, वही टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है, तो आपने पहला इसको क्यों नहीं विदाउट प्रेशर, बगैर प्रेशर के, लेस प्रेशर के, बगैर उसके सिचुएशन के आप ट्रेनिंग्स को करवाएं, उसी तरह मोबिलाइजेशन, फिर उसी को आप उसको इंप्लीमेंट करवाएंगे, फिर उसकी जब नेक्स्ट स्टेप में जाएगा तो डिफरेंट होगा। तो ये टेक्निक्स 15 मिनट आपने ध्यान रखना होता है कि जब आप ये टेक्निक्स पे काम कर रहे हैं तो पहले उसको आपने बता दिया ये इसका ऑब्जेक्टिव है, ये डिटेल है, ये ऐसे करना है, प्रैक्टिकल उसको बता दिया, चलें शुरू करें। प्राइस लेस आपने पढ़ा था जिसपे हम डिस्कस किया कि आपने जब ट्रेनिंग करवानी है तो बार बार इंटरप्ट नहीं करना, उसको टाइम देना है, उसको मैक्सिमम रिपीट करवाएं। और आप फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरी ये सिचुएशन, मैंने आप मेरा ग्रुप है, मैं इसको पूरी ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, मैंने बता दिया ये डिवाइड कर दिया लेट्स गो ऑन, तो मेरी जो पोजीशन है ना वो सराउंडिंग में है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ मेरा असिस्टेंट है तो उधर है, मैं पूरा ग्रुप को कंट्रोल कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं बार बार ट्रेनिंग एरिया के अंदर जंप इन कर रहा हूँ, दैट इज नॉट एथिकल, ये बिल्कुल इंटरप्शन है ट्रेनिंग को, और ये रिस्क है आपके लिए भी, आपको भी कुछ चोट लग सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर इन्वॉल्व हूँ इस ग्रुप, इसका कौन सा जहाँ एरर हो रहा है, क्योंकि मेरे पास टाइम 5 मिनट है, मैं 2 मिनट इधर देख रहा हूँ, अगर फिर मैं इधर देख रहा हूँ 2 मिनट उधर खड़े हो तो इधर क्या हो रहा है, मुझे क्या पता यहाँ एरर इस ग्रुप के अंदर आ, तो आपकी एग्जैक्टली पोजीशन है और आपका जो ट्यून है वॉइस वो बड़े माने रखती है, जो कम्युनिकेशन आप करते आप उसको प्रे कर रहे हैं, अप्रिशिएट करते जाए, और एक जो ऑब्जेक्टिव आपने बताया था उसी पर फोकस करें, ये करें ये करें ये शाबाश शाबाश, ये होती है ये लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल होती, नो वे, ह्यूमन बींग है आप, ये वर्ल्ड चेंज हो चुकी है, वो उसको नहीं सुनना चाहती, रिस्पेक्ट मांगते हैं एथलीट्स, आपको अपने एथलीट्स को रिस्पेक्ट देनी है तो रिस्पेक्ट आपको मिलनी है, अपोलोजाइज फॉर दैट, हम करते हैं और वो हमारा रिस्पेक्ट करते हैं, ह्यूमन बीइंग है वो, समझता है सोचता है, बिल्कुल चेंज हुआ है वर्ल्ड, उस पर देखें वो आपको और रिस्पेक्ट करेगा और ज़्यादा तवज्जो दे, जो कंटेम्प्रेरी स्टाइल है ना दूसरे में बताया वो अप्लाई करें, कहीं होता है एक बता दें तो फिर उसको ना थोड़ा सा सख्ती से भी पेश करते हैं, वो जब समझ जाता है ना कि वो सख्ती समझे तो उसको अकेले से सख्ती समझाने, सबके सामने इंसल्ट नहीं करते, नहीं समझता फिर इसको वो तन समझ नहीं, तो दूसरे कहेंगे देखने उस्ताद कोच ने, जब वो खत्म होगा तो बाहर निकला ग्राउंड के तो कहेगा हाँ सुना आज कोच ने आपके साथ तो सही किया, उसका मजाक उड़ा, वो साइकोलॉजिकल फैक्टर में जाएगा, एंगजाइटी में जाएगा, नेक्स्ट डे या तो एग्रेसिव होगा गेम के अंदर, फिर उसको छेड़ेंगे, वो किसी को ये मारेगा ठीक है और रिस्पेक्ट नहीं करेगा, और दूसरे दिन शायद वो आएगा अच्छा प्लेयर आपको, और उसको आइसोलेट करना है आप, क्या ऐसे मोटिवेट करना है, ऐसे नहीं रिस्पॉन्सिबल बनाना उसको, चले अगर वैसा है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें, लीड करें चाहे लीड कर, वो कहेगा ये मेरे क्या करो भाई, वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, मैंने कहा एक मेंटली ट्रेनर है, ट्रेनिंग है वो, ये मेंटली ट्रेनिंग होगा इसके अंदर, टेक्निक सारी ये चीज़ें ठीक, तो आपने जब बता दिया तो कर रहे हैं, फिर आपने कम्युनिकेट करना है, जो टेक्निक्स के ऊपर फोकस करना है, उनको बताने का ये टेक्निक रिपीट उनको करवाना है, अप्रिशिएट भी करना है,
कहीं एक दो प्लेयर्स के अंदर एरर आता है, बार बार मिस्टेक करते हैं, तो आपने एक की वजह से, दो की वजह से पांच को डिस्टर्ब नहीं करते। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में आप उसको वर्बली बताएं, चलने दे उसको, अभी देखते हैं कि नहीं होल्ड, आप फिर स्टॉप करते हैं क्विकली, आप 30 सेकंड का जी क्विकली बताते हैं ये आप उसने टैक्टिक्स को बता दिया, फीडबैक आपने दिया, ठीक है लेट्स गो ऑन, फिर उसको छोड़ देना है, फिर ऐसे आपने रिपीट करना है। ये नहीं कि आपने किया फिर रोक दिया, ये बोरिंग है, ये कंटिन्यूटी नहीं है, ये इंट्रक्शन है ट्रेनिंग का, आउटपुट क्वालिटी ट्रेनिंग नहीं है। आप 30 सेकंड में क्या, एक चीज उनकी ग्रिप नहीं ठीक तो मैं क्या उसको 10 मिनट तो नहीं बताऊंगा ना, देखिए बेटा ऐसे बार बार मसला कर रहा है, ये देखो इसको सही पकड़ो, ये तेरी फिंगर इस तरह होनी चाहिए, ये मूव स्विंग नहीं होती, यहाँ तेरा मसला है, ये पंच है, ये देखो एल्बो आप लॉक कर रहे हो बार बार, इसको ओपन करो, पूरा शोल्डर लॉक है आपका, मोबिलाइज नहीं हो रहा, इसको पंच करो, यहाँ से फॉलो अप की जाओ, पूरा थ्रो करो, ठीक है पूरा खोलो इसको, ऐसे कर रहे हो तो ये पूरा मूव नहीं हो, प्रेशर नहीं जा रहा इसके ऊपर पूरा, क्योंकि आप यहाँ पे जाते हो तो आप क्लोज जा रहे हो, रिस्क में जा रहे हो, मैं बॉक्सिंग की बात कर रहा हूं, आप रेंज में, तो आपने क्या करना, स्ट्रेच करें ना, वाइड रेंज पे जाओ, ये देखो शाबाश चलो गो, इसमें कितना टाइम चाहिए। तो मैंने स्पेसिफिक एक चीज के ऊपर उसको फीडबैक दे दी, अभी उसका अच्छा यार इधर आ क्या है, इन खोलता नहीं है, देख रहे जी मैं खोल देता है, देख ये देख ये क्या है, ये नो वो डाइवर्ट कर दिया आपने उसको, सिंपल बताएं स्पेसिफिक, ये इसको ऐसे करो, वो सिर्फ फोकस है, ये स्पेसिफिक, उसके बाद आप बाहर आ जाए, टीम स्पोर्ट्स में आपने एक बताना है, करवा दूँ फिर टीम की डाल दो, ग्रुप के अंदर डालो, उसको रोकना नहीं, उसकी वजह से 5-6 इंटरप्शन आ रही है, देन रोक क्विकली। हाँ जी 5 मिनट हो गया, इंटेंसिव है, पानी के अंदर पिए शाबाश, पानी के अंदर ही बताते हैं, ये थोड़ा सा आ रहा है, इसको देख के सारा ग्रुप वो पानी भी पी रहे हैं, रिकवर भी कर रहे हैं, तो आप उनको बता रहे रिकवरी जरूर देनी, रिकवर होगा तो परफॉर्मेंस बेहतर होगी। जी प्लीज सर, मैं क्वेश्चन है कि टीम स्पोर्ट्स की कोचिंग करना मुश्किल है या इंडिविजुअल की, आपका एक्सपीरियंस? इंडिविजुअल पर भी ज्यादा फोकस ज्यादा है, इंडिविजुअल जो ना वो आपने इंडिविजुअली मेडल लेना, टीम के ऊपर सारे कलेक्टिव होता है, टीम ज्यादा उसको हैंडलिंग डिफरेंट सिनेरियो है, डिफरेंट इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के ऊपर आपके पास ऑप्शन है, बहुत 4-5-7-8 एथलीट्स हैं, उनमें से आपके पास ऑप्शन है, 5-6 अच्छे होंगे तो 2-3 तो निकल आएंगे, तो हर डिफरेंस के अपने, हर स्पोर्ट्स के अपने डायनामिक्स हैं, अपनी उसकी अप्रोच है, अपनी उसकी सारी चीजें, तो टीम स्पोर्ट्स जो है उसमें ज्यादा आपने पूरी जो ना वो उनकी मेंटली साइकोलॉजिकल सबको डील करना होता है, इक्वली उनको ट्रेन करना है आपने, टीम स्पोर्ट्स को इक्वली, क्योंकि टीम स्पोर्ट्स है ना कलेक्टिव है सारा कुछ, तो ये इंडिविजुअल है, तो हर स्पोर्ट्स के अपने डायनामिक्स हैं, उसके अपने चैलेंजेस हैं, मैं यहीं पर रुकूंगा आगे चलूंगा, तो ये स्किल्स जो है ना आपने ये करवानी है, अभी ये स्किल जो टेक्निक्स आपने की है 15 मिनट 20 मिनट, तो इसको आपने इस स्किल को कॉन्टेक्स्ट में लेके जाना है, एग्जैक्टली गेम सिचुएशन में, अगर हम टीम स्पोर्ट्स है तो उसमें आपने मैच सिचुएशन क्रिएट करते हैं, स्मॉल मिनी गेम जिसको बोलते हैं, स्मॉल गेम 5 वर्सेस 5, 2 वर्सेस 2, 3 वर्सेस 3, क्या आपने क्या स्पेसिफिक एरिया के अंदर आपने उसी टेक्निक्स को फर्दर जो है वो डेवलपमेंट के लिए इम्प्लीमेंट करना है, उसका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, इस टेक्निक्स को रियल सिचुएशन में लाने आपने, गेम सिचुएशन में, तो जब हम स्मॉल गेम्स करवाते हैं या ये सिचुएशन करवाते हैं उसमें कौन सी चीज डेवलप होती है ज्यादा, बताइए, स्किल को कॉन्टेक्स्ट में लेके जाते हैं, स्मॉल गेम्स करवाते हैं, स्पोर्ट्स में मल्टी स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, गेम टीम स्पोर्ट में जब एक टेक्निक आपने करवा दी, इसको फर्दर जो है ना प्रोग्रेशन में आपने लेके जाना है, तो हमने क्रिएट किया सिनेरियो 3 वर्सेस 3, 4 वर्सेस 3, छोटा कंपटीशन, ये टेक्निक्स उसी के अंदर आपने इम्प्लीमेंट करवानी है सिचुएशन, गेम सिचुएशन के हिसाब से, तो कौन सी चीज डेवलप होती है, स्किल्स और स्किल, चले मैं एजिलिटी सौखा कर दें, तुहानू मैं कले कले लगे हुए हैं, बोतलां लगे हैं मेरे सामने, बंदा आएगा तो मेरी केड़ी चीज डेवलप होगी, तो मैं ना डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाती है, स्ट्रेस में फैसला करने की सलाहियत बढ़ती है, रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है, अगर ये चीजें ये टेक्निक्स उसके अंदर कम हो रही हैं, स्लो हो रही हैं, तो फिर मैं क्या करूंगा, एनालाइज करूंगा, दूसरे दिन फिर उसको वही बेहतर जो है ना 10-15 मिनट की वो टेक्निक्स करवा के फिर इसको वो रिपीट करवाऊंगा, उसकी ट्रेनिंग हो रही है बेहतर, एक है विदाउट प्रेशर ट्रेनिंग, एक उसके बाद आपने प्रेशर ट्रेनिंग करवानी है, जो आप कह रहे हैं प्रेशर नहीं सस्टेन करता प्लेयर, वो इसी वजह से आप टेक्निक्स के ऊपर हम काम करते हैं, सिर्फ टेक्निक्स डेवलप करने से तो कुछ नहीं होता,
जो गेम सिचुएशन की ट्रेनिंग और प्रेशर ट्रेनिंग जो है ना नहीं करवाई। प्रेशर ट्रेनिंग में क्या होता है, मेंटली प्रिपरेशन उसकी, डिसीजन मेकिंग बढ़ता है, फैसले करने की सलाह, रिएक्शन टाइम बढ़ते हैं, फोकस, जी जी फोकस भी बढ़ता है, जी जी तो ये चीजें बढ़ती हैं, वो ग्रोथ करता है, वो जाता है रियल सिचुएशन के अंदर। तो उसके बाद आप क्या करते हैं, कूल डाउन, वार्म अप किया उसके बाद आपने कूल डाउन करना, कूल डाउन, और कूल डाउन में आप जिस स्टैटिक, कूल डाउन क्यों जरूरी होता है, कौन सी चीज है जो बॉडी के अंदर आ जाती है जब आप कूल डाउन, जब हम इतना खेलते हैं तो लैक्टिक एसिड सर हो जाता है, जम हो जाता है, जिसकी वजह से फिर कूल डाउन हम आहिस्ता आहिस्ता करते तो खत्म होता है। लैक्टिक एसिड जो है ना ज्यादा बढ़ जाता है अगर आप नहीं करते हैं, तो जो स्टिफनेस जो बैक के ऊपर मसल्स के ऊपर होती है ना अंदर आ जाती है, जो रॉ मटेरियल है सारा वो अंदर ही रहता है बॉडी के अंदर, और ठीक हो जाती है, उसको हम वापस लाने के लिए तकरीबन इतना ही टाइम कूल डाउन को देंगे जितना हम वार्म अप के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम इजीली कल के लिए दोबारा री हो सके वक्त से पहले। और ये जो है हर सूरत में आप चाहे कुछ भी हो, आप 5-7 मिनट कूल डाउन की जो है ना वो कूल डाउन करवाएं, स्ट्रेचिंग उसको करवाएं, पानी शानी पिए, बैक टू नॉर्मल पोजीशन अपने पास वापस लानी है जैसे पहले थे, नॉर्मल नॉर्मलाइज करें। अगर नहीं करते हैं तो स्टिफनेस आती है और दूसरे दिन ट्रेनिंग को भी नहीं दिल करता होता है, और ये लैकेट ऐसे अंदर रहता है जिसको हम निमकियात कहते हैं, सॉल्ट होता है बहुत ज़्यादा, तो ये इफेक्ट करता है मसल्स के ऊपर, स्टिफनेस ज़्यादा आने शुरू हो जाती है, और जब स्टिफनेस आती है तो मेंटली भी वो जिस तरह पे जब आप 10 मिनट गेम कर चुके उसके बाद आप जो ना माइंड खोलता है ग्राउंड के अंदर, तो ये आपने एहतियात करनी है। जब ट्रेनिंग सेशन आप खत्म करते हैं तो आप क्या फीडबैक देते हैं, कैसे फीडबैक करते हैं आप प्लेयर्स को, क्या कैसे क्या करते हैं जब मैच, फीडबैक कैसे कैसे जब फीडबैक आप कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे वो है तो बताएंगे, कैसे प्रश्न क्वेश्चन मैंने कि कैसे तरीका कार क्या है, उसकी खामियां सबके सामने क्यों नहीं बताते, आपका सेंटर अप्रोच कौन सा है, प्लेयर है तो उसको साइड पे क्यों लेके जाएंगे, सर हम किसी एक का बताते हैं कि मेरे क्वेश्चन मैं आपकी तरफ, जी आप माइक खोलिए, माइक खोलिए लड़कों के सामने इंसल्ट महसूस ना करें इसलिए वो, तो आप कौन सी ऐसी चीज पूछेंगे उससे कि उसकी इंसल्ट होगी, जो उसके वीक पॉइंट्स हैं वो चीज, तो आप उससे अगर वो वीक है तो उससे आप कैसे क्वेश्चन करेंगे कि वो स्ट्रांग हो जाए, तो ज्यादातर ये होता है कि हम लोग जनरल टू बेसिक्स पे जाते हैं, यानी कि अगर हम जनरली बात कर देते हैं जो जो बच्चे उसके अंदर उनको पता होता है कि आज हमने ये गलती की है तो वो खुद ही अपना समझ जाते हैं, लेकिन अगर अगले दिन फिर से वही वो गलती करे तो फिर उसको हम लोग सेपरेट करके तो फिर बताते हैं कि आपने कल भी ये गलती की थी या आपसे कल भी ये हो रहा था तो मैंने आपके लिए या फिर बाकी जितने भी लोग होते हैं सब लोगों के लिए जब जनरली बात करती है ना तो हर प्लेयर जो है अपने बारे में सोचते हैं क्या पता मेरे बारे में बात कर रहे हो, तो ये हमारी अप्रोच होती है एट द एंड ऑफ द सेशन। और ज्यादातर ये होता है कि हम मोटिवेशनल कोई एक बात या एक दो जो अपने वाकयात होते छोटे छोटे वो बताते हैं कि मतलब हमारे से भी होता था कि ये गलती हमारे से भी होती थी, लिहाजा किसी को इतना अपने जहन पे लेने की जरूरत नहीं है, तो ये तरीका का होता है लास्ट एंड ऑफ एनवायरनमेंट कैसा क्रिएट करना है कि वो सिर्फ महसूस करें, इनडायरेक्टली उनसे बात करेंगे आप उसको आइसोलेशन से हट के, और कौन सा तरीका है कि आप सबके सामने जो है पूछा जाए, हमारा तो टैक्सीज के ऊपर है ये, आपकी अब जो भी सेशन खत्म हुए इसके ऊपर ही बात होगी, हम तो दूसरी सेशन दूसरी तो कुछ कर ही नहीं सकते, और करना भी आपने 5 मिनट से ज्यादा फीडबैक देना ही नहीं, 3-4 क्वेश्चन करने सबको मिलाने चले खत्म। सर मिसाल के तौर पे जैसे हम बात करते हैं, हम कहते हैं हॉकी के मुतालिक अगर बात करें, हम कहेंगे आज कुछ प्लेयर्स जो थे वो अपनी लोकेशन से या अपनी जो पोजीशन थे उन्होंने उसके अलावा दूसरी पोजीशन पे जो है वो खेलना चाहा है, नो डाउट उनका अच्छी गेम थी लेकिन उनकी जो अगर वो उसी शॉट पे खेलते तो वो ज़्यादा अच्छी तरह खेल पाते, तो नेक्स्ट टाइम मैं ये देखना चाहूँगी कि आप लोगों में जो जो स्टूडेंट्स जिनको जो पोजीशन दी गई यानी सेंटर फॉरवर्ड है अगर तो सेंटर फॉरवर्ड ही खेले, अगर राइट पे है तो वो राइट वाली अपनी डोमेन को संभाले, इस तरह करके बात की जाएगी, इनडायरेक्टली उस बच्चे को पता लग जाएगा जो अंदर भी सेंटर में बच्चों की पोजीशन होंगी वो उन्होंने भी जब कहीं पर डिसेप्शन की होगी ना उनको पता लग जाएगा कि अच्छा ये मेरे बारे में बात हो रही है, लेकिन ओवरऑल किसी को ये नहीं पता लगेगा कि किस बच्चे को स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है। तो ओवरऑल आप समझते हैं कि वो सारे समझ गए कि मुझे कहा गया या किसी का,
नहीं, कोई किसी को पता लग जाता है, हम जब खुद होते थे प्लेयर्स। सर ये माइक खोलिए प्लीज, माइक खोलिए, हमारे दोस्त ऑनलाइन है वो भी सुन। ऐसा 50% ही होगा कि जिनको इस बारे में पता चल जाएगा कि हमने ये गलती की थी, क्योंकि आजकल का ये सबसे बड़ा मसला ये है कि कोई भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं होता, उस पर वो आते ही नहीं है कि हमने हमसे कोई मिस्टेक हुई है। उसको ही जो है ना वो मेरे ख्याल से करवाना भी चाहिए कि आपने ये गलती की है। हम इसके कॉन्ट्रेरी ये भी कर सकते हैं कि हम किसी एक की तारीफ कर दें, जिस बच्चे ने अच्छा खेला हम उसके बारे में मिसाल दे दें कि आप देखें जैसे ये सर सब... इसका एक तरीका होता है कि अगर कोई लड़के में कोई मिस्टेक है ना, तो सबके सामने पहले उसकी उस चीज की तारीफ करें जो वो अच्छी कर रहा है, कि यार ये बहुत ये वाली चीज बड़ी अच्छी कर रहा है, बस थोड़ा सा तवज्जो अगर इस पे देना तो और ज्यादा अच्छा करेंगे। मेरा ख्याल है सर ये अगर इंटेंशन ना हो जाए कि जो प्लेयर्स हैं उनकी यूनिटी को जो है वो अफेक्ट पड़े, ये जो हम ऑनलाइन ट्रेनिंग्स करते हैं ना जो कोचेज की, उसमें ये होता है कि वो इनडायरेक्ट ऐसे ही मैसेज कर देते हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये काम नहीं किया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो वो होता है, ये वो बहुत सीनियर लोग हैं जिनके लिए ये वाले। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ये नाम नहीं लेना इस तरह की जो वर्डिंग्स है ना, मैंने इसको एक्सपीरियंस किया कि ये ज्यादा जो है ना ये डैमेज करती है और ज्यादा हर्ट करती है, कि मैं नाम नहीं उसका लेना चाह रही हूँ पर आज इसने, हाँ आई डोंट थिंक सो, ये इस तरह की जो लैंग्वेजेस है वो अब हमें यूज करनी चाहिए। सर ये मेरा ख्याल है कि आपको ऐसी कोई बात नहीं है, अगर किसी बच्चा या कोई टीम है या प्लेयर है उसकी गलती नहीं है, आप टेक्निक सिखा रहे हैं तो आप सबके सामने सिखाए, अगर उसकी वो गलती है बाकी वो ना करे उनको उससे फायदा हो, हमने कौन सा उनको कोई ऐसा हार्ड वर्ड बोलना है या उनकी कोई इंसल्ट करनी है, वो ऐसा तो कोई हमारा एम ही नहीं है, हम तो उनको सिखा रहे हैं, अगर कोई गलती उसकी है तो उसी टाइम बताया था कि सब बच्चे भी सीखे और वो गलती रिपीट ना करे। ओके सो एक तो आपने चीज रखनी है डिस्क्रिमिनेशन जो होती है ना वो, सर मैं कहूंगी कि सब बच्चे अगर खड़े हैं तो ये बच्चे इंसल्ट फील नहीं करेंगे नाम लेके, कि अगर कोई शॉर्टपटर है तो उसको कहूंगी कि सामा आपका आज स्टाइल ये था तो आपको आप ऐसा करोगे तो आपका स्टाइल अच्छा लगेगा ये। ओके सो एक जी जी एक चीज आपने देखनी जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है, इंडिविजुअली जो आप डील कर रहे हैं तो उसको डायरेक्टली आप फर्दर उससे भी तरीका कार है डिस्कशन का, जो आप टीम स्पोर्ट्स के साथ हैं तो आपको ज्यादा एहतियात करनी होगी, जब ग्रुप के साथ हैं ज्यादा एहतियात करनी होती है, किसी को डायरेक्टली आप नहीं करते, इसमें तरीका कार ये होता है, एक होता है ओपन क्वेश्चन और एक है क्लोज क्वेश्चन, जो तरीका कार है पूछने का, इसमें कोई ऐसा नहीं कि आप जिसको आता है जिसको नहीं आता, जिसको ज्यादा आता है उसकी अप्रिशिएशन करनी है, जिसको नहीं आता आपको आइसोलेट कर देना, नो वे, नहीं कभी भी नहीं होता, हम नहीं करते, जितनी मिस्टेक एरर करते हैं बेशक 1000 times करें कभी भी नहीं क्रिटिसाइज किया जाता, वो उसको अपने दोस्तों से ही पढ़ा देते हैं हम लोग, वो खुद ही बता देते हैं। सिंपल जब आप फीडबैक देते हैं सबसे पहले जो है मैच ट्रेनिंग के बाद आपने अप्रिसिएशन जो होती है सबसे पहले आपने अप्रिशिएट करना है उनको कि आपका आज का सेशन बड़ा जबरदस्त रहा, वेरी वेल डन, आई एम वेरी हैप्पी ऑन दैट, ये तो मेरी फीडबैक उनको दे दिए, वो क्या है वो डायरेक्टली आ गए आपके कंफर्टेबल जोन में, जिसने ठीक किया जिसके एरर हुआ जिसका भी हुआ वो आ गया डायरेक्टली कंफर्टेबल जोन में कि कोच हमसे खुश है, ये तो सबसे पहले आपने एक सिनेरियो क्रिएट कर दिया ना, मुझे ले आए कंफर्टेबल जोन में आपको, अभी हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, मैं तो नहीं फीडबैक देता आप। हाँ जी आपका आज का सेशन कैसा रहा, ये है ओपन क्वेश्चन, सब कोई भी इसका जवाब दे सकते हैं, एक हो गया, अभी इंतजार कर रहा हूँ, हाँ जी कौन लीड लेगा कौन बताएगा, आप पहले जोरन नहीं कहते, हाँ भी कौन बताएगा, नहीं होल्ड करते हैं, वेरी गुड, 5 और 6 जी प्लीज वेट कीजिए, आप होल्ड कीजिए, आप 5-6 सेकंड होल्ड करते हैं, बी पेशेंट, हाँ भाई दोबारा रिपीट नहीं किया जाता, आप वेट करते हैं, आपको एक रिस्पॉन्स आ जाएगा, जी आज का सेशन जो है वो बहुत अच्छा रहा, हाँ जी कौन सी अच्छी चीज थी, जी प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज होल्ड करना अपना माइक होल्ड बंद कीजिए, अब इंटरप्ट नहीं करना, उसमें आपका दूसरा क्वेश्चन जाएगा, उसने कहा जी हाँ अच्छा रहा जनरली, हाँ जी कौन सी अच्छी चीज थी, अभी जो कौन सी अच्छी चीज है ना वो स्पेसिफिक चीज की तरफ लेके जा रही है डिटेल में, जब वो कहेंगे ना
आप कहेंगे कौन सी अच्छी चीज थी, तो वो आप उनकी डेप्थ में जाएंगे, वो फिर बताएंगे हाँ जी बताइए। आप कहेंगे जी मुझे ये चीज अच्छी लगी, मैंने ये टेक्निक्स या ये पंच मेरा आज बेहतर हुआ, मैंने इसे एंजॉय किया, हाँ जी वेरी गुड, तो क्या उसमें डिटेल थी, ये जी ये ऐसे मैंने किया, ये मेरा बेहतर हो गया। तो ये चीज जो वो कह रहा है ना, वो लड़का भी सुन रहा है जिसमें एरर है, कमी है, मैं उसको नहीं पढ़ा रहा, वो इससे सीख रहा है। वो कहेगा हाँ, तो दूसरा ऑटोमेटिकल होगा हाँ जी, हाँ जी और बताइए, वो कहेंगे हाँ, दूसरा कहेगा मैंने ये चीज बेहतर की है, मुझसे ये चीज बेहतर हो गई है। तो आप उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, खुद बोल रहे हैं कि उनको समझ लगी है, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। हाँ जी तो कोई, हाँ जी कोई और बताओ, कहीं कुछ इश्यू आपको आया हो, तो वो फौरन ही बताए हाँ जी ये ठीक था, मगर यहाँ मुझे ना मसला है इस चीज पे, मेरा फुटवर्क किया था या मेरी जो पावर जनरेट करनी थी, स्विंग करनी थी, या जो मैंने पंच लगाना था, यहाँ मुझे ना मसला है बार बार। स्पेशली इंडिविजुअल में तो ठीक था मैं, जब मैं आपने मुझे गेम सिचुएशन में ले गया, जब वहाँ मुझे मसला है, मैं उसको परफॉर्म नहीं कर पा, उसने ये कह दिया, तो आप क्या फौरन उसकी करेक्शन कर देंगे? नहीं करेंगे आप उसकी करेक्शन, आप होल्ड करें, ट्रेडिशनल स्टाइल अपनाएं, नहीं लेक्चर नहीं देना उसको, बोलना भी नहीं है, हाँ जी बताइए, ये जो कह रहे हैं कि मुझे यहाँ मसला आया, तो आप बताओ कैसे बेहतर किया जा सकता है। ये फिर सवाल आता है, आपने ओपन क्वेश्चन कर दिया साहब, बाकी जो आपके एथलीट्स हैं उनको, क्योंकि आपको मसला आ गया, आपको एरर है, ये आपने कहा जी मुझे यहाँ मसला है, तो मैं फौरन कह दूं हाँ जी ऐसे से कर लो तो ठीक है, ये मेरा ये तो एक आम सा तरीका है। फिर मुझे ये भी जेहन में रखना है कि मैं जो जो कह रहा हूँ, मेरा जो सेंटर्ड अप्रोच है, जो मरकज है, वो तो एथलीट्स हैं, मैंने उन्हीं से अपने एथलीट्स को पढ़ाना है, डिबेट करवा के पढ़ा के उनको सिखाना है, बाकी कुछ उनको बिल्कुल मसला आएगा तो फिर मैं जाके बोलूंगा। तो फिर आप हाँ जी बोले, उसमें ऐसा ऐसे प्लेयर होंगे जो उन्होंने वही चीज बेहतर की होगी, वो कहेंगे सर अगर इसको ऐसे कर लें तो इसमें और बेहतरी आ सकती है, वो दूसरा प्लेयर बोलेगा, एथलीट बोलेगा जिसको मसला है, वो चीज वो रिपीट करेगा क्योंकि उसने उससे बेहतर हो गई है, परफॉर्म उसने अच्छा कर दिया, कहते हाँ। तो आपने उसको फौरन अप्रिशिएट नहीं करना, ये जेहन में रखिएगा, होल्ड ऑन, अगर उसको अप्रिशिएट कर दिया तो इसको आपने डिस्क्रिमिनेशन में लेके जाएंगे कि उसको ज्यादा पता है, इसको पता नहीं है, ये भी चीज आप कर ही नहीं सकते। आपने क्वेश्चन किया है आपने, हाँ जी और कोई, और इससे कोई और बेहतर किसी में जेहन में आ रहा, दूसरे का हाँ जी इसको ऐसे किया जा सकता था, तो ये आपने क्या अप्रोच अख्तियार की है? प्लेयर सेंटर्ड अप्रोच है, उनको सिखाने का, उनको सीखने का तरीका मुहैया कर दिया आपने एक दूसरे से, ये तरीकाकार है, ये रियलिस्टिक है, वर्ल्ड के अंदर ये चल रहा है, क्योंकि आज की मैं फिर रिपीट करूंगा, स्पोर्ट्स के डायनामिक्स रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है, आप इस तरह करेंगे तो वो आपके वो परफॉर्म कर सकेंगे वहां पे, जिस ट्रेनिंग सेशन की मैं बात करूं, ठीक है। तो वो जब दूसरे प्लेयर बोलते हाँ जी इसको ऐसे ऐसे किया जाता है, हाँ जी ठीक है, हाँ जी आपको फिर आप वापस उसी प्लेयर के पास आते हैं जिसने कहा कि मुझे जो है वो ये मसला आया था, तो फिर आप उसको क्या कहेंगे? हाँ तेरी समझ आई है? नहीं, ये नहीं कहेंगे, हाँ जी अभी आप मुझे बताएं आप इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, हाँ जी दसी तू उनके में बेहतर कर सकते हैं, वो कह भाई जी हाँ इस तरह से मैं करूँगा तो ये बेहतर हो जाएगी। उसने क्या किया? उसने उनसे सीख लिया, तो मैं तो सिर्फ फैसिलिटेट कर रहा हूं इनको, मैं क्यों इंटरप्ट करूं इनको जब वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो ये रियलिस्टिक अप्रोच है आपकी। फिर अगर उसमें से थोड़ा सा एरर रहता है, आप अपना फीडबैक उनका भी लेके हाँ जी थैंक यू वेरी मच जबरदस्त, अच्छा उसने आपने कहा हाँ ये जो है मैं कर सकता, उसके बाद आपने फिर जाके कंक्लूजन देनी है, हाँ बिल्कुल ठीक है, आपने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, उनको भी अप्रिशिएशन की बिल्कुल ठीक है, आपको भी समझ आएगा हाँ ठीक है, क्लैरिटी होगी कि आप लोगों ने इसको क्लैरिटी किया, आपने समझ आ गई हाँ ठीक है, इसको ऐसे ऐसे कर लें, इसको थोड़ा सा और आप जहाँ समझते हैं आप एक फीडबैक, कोच अपना भी इनपुट देता है, इसको थोड़ा सा ऐसे ऐड करो, ये और आप बेहतर हो जाएंगे, और कल तो जो है ना आप इसको और बेहतर परफॉर्म कर। वो जो प्लेयर आप कहते हैं इसको आइसोलेट कर दें, वो ये प्लेयर है, इसको क्यों मैं साइड पर लेके जाऊं और उसको मैं क्यों अप्रिशिएट करूं सबके सामने, बाकी ने काम नहीं किया, ये डिस्क्रिमिनेशन में चला जाएगा। अप्रिशिएशन सबकी होती है, एक दफा सुबह होगी सबकी, आपने स्टार्ट में कर दी, वो फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो चले जाते हैं प्लेयर्स के, एक एथलीट के साथ तो ये रवैया, बाकी के साथ हमें तो अप्रिशिएट नहीं किया जाता,
आई एम सॉरी, हम तरसते थे कि कोच हमें अप्रिशिएट करे अपने उस 16, 17, 18 ईयर्स की एज में। मैं बता प्रैक्टिकल लाइफ हम यहाँ से गुजार के इस कंट्री से गए, तो ये ज़रूर किया जाए, ये मोटिवेशन होती है। तो ये एक तरीका है, आप जब ये आपका ख़त्म हो जाए अप्रिशिएट करनी है, ज़बरदस्त ठीक है, आज का सेशन ये था और हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आपने कहेंगे ये चीज़ें उनको पता है, हाँ जी कौन कौन सी चीज़ें जो है इसमें ये थोड़ी सी कमी थी, हम ये जो है ना कल इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे ताकि इसकी बेहतर प्रोग्रेशन में चले जाएंगे, रिपीट मजीद करेंगे ताकि बेहतर हो जाए ये टेक्निक्स और ये टैक्टिक्स। तो ठीक है जी, ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड। तो फिर उसके बाद आपने क्या करना, आपने क्या आप मोटरसाइकिल या गार दबानी बांध के यूं गए चले जी खत्म हुआ, नहीं, आप होल्ड करते हैं, आप होल्ड करते हैं, आप 5-10 मिनट रुकते हैं, आप कंक्लूड करते हैं सारी चीज़ों को और सेल्फ एवेल्युएशन आप करते हैं खुद, मैंने करवाया क्या आज, कहाँ कहाँ मेरे सेशन के अंदर एरर रह गए जो बेहतर किया जा सकता था। आप डिस्कस करते हैं अपने असिस्टेंट अपने दूसरे, हाँ जी बताओ यार आपके जेहन में क्या है कि आज जो हेड कोच होता है अपने असिस्टेंट, हाँ आप बताओ कि आज का जो सेशन है कैसा रहा है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे कम हुई है या ज़्यादा हो गई हैं या इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दी गई है या कम दी गई है, तो अपना फीडबैक दें। आप कंक्लूजन पे जाएंगे, हाँ जी ये चीज़ें तो कल इसको मैनेज करें और ये आप जाके सेशन बनाते हैं और कल इनको मजीद अटेंड, ये है एक तरीका, बिल्कुल प्रिंसिपल जी प्लीज। सर जो हमारी प्रैक्टिस चल रही है वो ये है कि जो ए क्लास प्लेयर होता है जिसकी मेडल की उम्मीद होती है उस पर हम कोचिज ज़्यादा तवज्जो देते हैं और जो बी क्लास होता है उसको हम रहने देंगे, डिपार्टमेंट भी चलता है, टीम में भी चलता है, इंडिविजुअल भी चलता है, हम उसको नहीं देखते, हम कहते हैं इसका मेडल आना, हम इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं और उसको ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। जो बी होता है कि यार इसका मेडल तो है नहीं है, उसको हम उसके मुताबिक ही चल रहे होते हैं। अगर आपके पास एक ही ऑप्शन है वो सडनली इंजर्ड हो जाता है, ख़त्म होगी आपकी उम्मीद, देन ऑप्शन खत्म, लेकिन प्रैक्टिस यही है सर यहाँ पे, तो फिर आप वो टोटली आप जो है ना प्लेयर्स पार्टिसिपेशन प्लानिंग है ना, आप फोकस कितने प्लेयर्स के ऊपर है, अगर बैकअप कितना है आपका, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड नंबर, थर्ड ऑप्शन क्या है आपके पास, तो इक्वली ट्रेनिंग आप उनको करवाते हैं, इक्वल ही अपॉर्चुनिटीज उनको देते हैं यहीं पर डोमेस्टिक में, अगर इंटरनेशनल कम होती है डोमेस्टिक में तो वही ट्रेनिंग करवाते हैं ना आपको, फैसिलिटेट करते हैं हमको, प्रोसेस वही रखते हैं, फिर आगे एक परफॉर्म नहीं करता इंजरीज हो जाती है तो क्या होगा, है ना इंजरीज होती है स्पोर्ट्स के अंदर। हाँ हमारी कंट्री में भी देख रहे हैं, जो लीड प्लेयर है उसको अगर लास्ट का कोई मसला आ गया तो हम उसको बाहर तक भेज देते हैं, और जो उसके साथ सेकंड है उसको तो हम लोकल भी नहीं पूछते कि यार ठीक है ठीक हो जाएगा। तो आपका फोकस जस्ट वन एथलीट के ऊपर है ना, आपका फोकस एक इंडिविजुअल स्पोर्ट यही है हमारी सर, नहीं ना, तो ये ज्यादा ये तो डोमेस्टिक्स है, इसको बेहतर करनी है प्लानिंग से, इसमें आप कैसे लेके चलना है बेहतरी इसमें लानी जा सकती है, उसको फोकस ज्यादा, क्योंकि आप कभी भी एक एथलीट जो है अभी आपके पास एग्जांपल है जस्ट, तो उधर भी एग्जांपल है वो वहाँ पे तीन आप एक की उसी कैटेगरी में उन्होंने तीन ले लिए, तो आप थोड़ा सा इसको मैनेज करना पड़ता है, आपके बैकअप में हमेशा होना चाहिए जी प्लीज। और बताइए कुछ आप कहना चाहें, मैं इसको यहीं पे कर दूंगा। और ये वार्म अप हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं सारा, वार्म अप की बहुत ज़्यादा डिटेल भी होती है, मैं नॉर्मली कि आपने अपने रेंज ऑफ मोशंस को जो है ना वो जो है ना इंक्रीज करना होता है, मेंटली तैयार होना होता है, जॉइंट्स सर्कुलेशन बॉडी सारा पल्स वो लेके आते हैं, ग्रुप ऑफ मसल्स जो हैं वो आप उनको स्ट्रेच करते हैं। मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि उस फिर आप जो मेंटली तैयार होते हैं ये वार्म अप होता है, ये नहीं कि आप 15 मिनट के बाद एक्स्ट्रा जो चीज़ करेंगे वो फिजिकल फिटनेस के ऊपर चले जाएगी, फिजिकल प्रिपरेशन वो डिफरेंट है, तो वार्म अप बस सिंपल उसमें अंदर वार्म अप के अंदर डायनामिक स्ट्रेचिंग ज़्यादा होती है, फ्लेक्सिबल होती है आपकी बॉडी, तो फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में होगी तो ज़्यादा जो चीज़ें सस्टेन करती हैं। एक और चीज़ होती है सर, एथलीट ये देख रहे होते हैं कि हमारे कोच के सोर्सेस कितने हैं, उसको वैल्यूएट कर रहे होते हैं कि यार ये इसकी कितनी अप्रोच है, ये हमें कैसे सेटल करा लेगा क्या कर लेगा, ये हमारा बहुत आप सारी क्लबों में आप करते हैं उनको पता ही होगा, तो देखे कोच के सोर्सेज कितने हैं, ये मुझे टीम में ले जाएगा कि नहीं, खिला लेगा कि नहीं, ये वो अपनी प्रैक्टिस के मुताबिक उसको वैल्यूएट कर रहे होते हैं कोच, और कोच के लिए बड़ा मसला होता है कि यार ये मुझ पर सारा तकिया रख के बैठा हुआ और मैं इसकी हेल्प करनी भी और हमें करनी भी पड़ती है कि अपने आप को सेटल रखने के लिए करनी पड़ती है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। डिफरेंट सिनेरियो में आप लेके आए जो मैं इसको टच नहीं करना चाहता, आपके इंटरनल इश्यूज को मैं कभी भी टच नहीं करता, आप मुझे अपोलोजाइज गुजरते हैं रोज वो चीज आप गुजरते हैं, आप जो है ना आप इक्वली अपॉर्चुनिटीज रखें सबके लिए, आप मोटिवेट करें रियलिस्टिक, आप जो है ना उसको एजुकेट करें और रियलिस्टिक जो है ना चीजें उसके ऊपर लेके जाए, ये आप पे डिपेंड, आपकी क्वालिटी क्या है, आप इसको मैनेज कैसे करते हैं, ठीक है जी, आपको मैनेज करना है ताकि वो डिपेंड इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाए, डिपेंड करें मैं कि हद तक कर,
ठीक है, या टेक्निकली टेक्टिकली असिस्टेंट आपको चाहिए एज ए कोच की तरफ से, तो वो आप इक्वली सबको देंगे। बाकी फर्दर होता है आप एथलीट्स की वेलफेयर जो होती है वो देखते रहते हैं, हम भी करते रहते हैं, ये जरूरी है। एथलीट्स बड़ा सफर करता है, जहाँ आपके पास अपॉर्चुनिटी हो जरूर उसको फैसिलेट करें, जो मेंटली ठीक होता है फाइनेंशियली ठीक होता है, तो डेफिनेटली ये चीज़ें वो बड़ा रखती हैं। अगर हाई परफॉर्मेंस आप देखें, हाई परफॉर्मेंस टीम जो है वहाँ ह्यूज जो ना बड़ी चीज़ इन्वॉल्व है उसके अंदर, उसको मेंटेन के आपको एक ह्यूज फाइनेंस चाहिए होता है। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स का तो चल जाए, तो टीम स्पोर्ट्स में ह्यूज जो ना बजटिंग कॉस्ट है बहुत ज़्यादा है। मैं एक कंट्री के साथ रहा, ये रिकॉर्डिंग बंद करते हैं आपकी, ऑलमोस्ट मैं इसको क्लियर कर चुका, ये मेरी प्राइवेट डिस्कशन है आपके साथ, या वॉइस मेरी बंद कर दें बस, या आप जो मेन आप कहें ताकि ना दोस्त बेशक सुन लें। अभी मैं आपको क्या बताऊँ कि एक कंट्री का 2.4 मिलियन $2 मानते हैं आप? मैं रहा ना, मैं खुद इन्वॉल्व था, तो आपने सामने ऑलमोस्ट 6.5 साल में 16.5 मिलियन $16 स्पेंड किया, ठीक है ना जी, मिलियन डॉलर कर दूँ, 1.4 तो मुझे पता है जो मैंने निकला है। और वो जो टीम थी ना, साल पूरे पूरे साल वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रहते हैं, और वो पूरा साल जो है वो 3-4 स्टार होटल में रहते हैं, मरकर मेरिट में उनके नीचे रखते नहीं थे, वो परफॉर्म बहुत ज़्यादा करते हैं। वो कंट्रीज की आबादी है 80 लाख, ओलंपिक में मेडल है उसके 14, 7 गोल्ड बाकी सिल्वर और ब्रॉन्ज, समझ गया, हमारा 20 साल से कोई भी नहीं है। नहीं मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि फाइनेंशली कितना इन्वॉल्व है, ट्रेनिंग प्रोसेस कितना इन्वॉल्व है उसमें। आपने एक हम यूरोपियन चैम्पियनशिप की सेकेंड डिवीजन में खेलना था, तो हम 15 मैचेस जो है उससे पहले खेलते थे, और इटली हॉलैंड जर्मनी ये ट्रेनिंग कैंप्स उनके साथ मैचेस गए, उसके बाद हम जाते थे 1.5 महीने के बाद। इससे 1.1 लाख और 35,000 यूरो जो ना वो पिक फेडरेशन का बजट है, ठीक है जी, मैं आपको ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं, आप बाहर की कंट्रीज को आप छोड़ देंगे वो क्यों ऊपर जाते हैं, ह्यूज इन्वॉल्व, ठीक है जी। तो ये बात भी नहीं है, मैं फिर भी आप कहता हूँ, नहीं नहीं नहीं, मैं एक्सपीरियंस मेरा ये कहता है कि चूँकि मैं हम इंटरनेशनली स्पोर्ट्स के साथ इन्वॉल्व हूँ डायरेक्टली, क्योंकि मैं खुद इन्वॉल्व हूँ, आई यू इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रोजेक्ट चलाते हैं सारा, सिर्फ FIH के नहीं, उसमें ये है कि अभी भी इस ज़मीन के पाकिस्तान के जो एथलीट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल, ये मैं आपको खुश करने के लिए कह रहा हूँ, प्रैक्टिकल देख चुका हूँ अभी रिसेंट 2-4 महीने में अपनी स्पोर्ट्स को देख चुके हैं, कुछ ना होने के बावजूद भी है ना उन कंट्री से आगे जो बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड कर रहे हैं, हाँ पोटेंशियल है अभी भी है, है नो डाउट, ये मैं रियलिस्टिक बात कर, गाइडेंस बाकी थोड़ा सा हमको चाहिए, थोड़ा सा और फैसिलिटेट करें एनवायरनमेंट्स पर, ठीक है, तो वो बेहतर जो है ना वो कर सकते हैं, और कोई ऐसा इशू नहीं है कि ये जो है कहें कि जो है नहीं हो सकता, ये हो सकता है जी। और कोई आपका क्वेश्चन हो मैं फिर कंक्लूजन की तरफ चला जाऊँगा। सर हमने पहले बात की कि आफ्टर मैच डिस्कशन जो होती है, अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको खुद स्पेसिफिकली आगे बाद में बोलते हैं टीचर हमारी जो है ये बात। बहुत शुक्रिया। एक जो चीज ये आप सामने मेरी प्रेजेंटेशन का देख रहे, एंगेज एजुकेट एम्पावर, जी 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 प्लीज। अभी हमारे जो इनिशिएटिव है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है, हम ज्यादा से ज्यादा जितने भी हमारे कोचेस हैं हमने उनको इंगेज किया हुआ है। कौन आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, सर एक क्वेश्चन है सर। मेरे पास हैं तकरीबन 8 कंट्री और 36। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर एक रिक्वेस्ट है, ये जो हमारी 3 दिन जो ट्रेनिंग होती रही है सर, ये रिकॉर्डिंग भी इसकी होती रही है, तो अगर इसका कोई लिंक वगैरह हमारे ग्रुप में मिल जाए, जो हमारा ग्रुप है डायरेक्टरेट का, तो उससे हमें जरा बड़ा बेनिफिट हो जाएगा कि मजीद हम ये कि जो पॉइंट हमने देखना हो तो हम उसको जो है दोबारा सुन लेंगे। जी बिल्कुल किया जा सकता है। कर लेंगे उसको, कर लेंगे मैनेज।
तो सर इसके अलावा सर जो ऑफिशियल स्लाइड्स है सर वो तो नहीं मिल सकते, लेकिन नहीं सर ये इसका हमारे एकेडमी की हैं, नहीं ये वो कुछ शिक्षक सर जो डाटा था इसमें सर वो किसी जरिए अगर मिल जाए वो तो। आपको मैं जो है ना वो उसी तरह ही दे सकता हूँ, ये जो जी व्हाट्सएप जो ग्रुप बनाएंगे ना जी सर, उसमें ये मैं शेयर कर सकता हूँ जी आपको, सर बहुत शुक्रिया सर। क्योंकि ये ऑफिशियली हमारा एजुकेटर नहीं, वो मेथड तो नहीं होता सर, है, लेकिन ये दूसरा डाटा सर। एकेडमी जो है वो हम अलाउ नहीं करते हैं, जी सर बहुत शुक्रिया। वो हम कर लेंगे आप। एक जो चीज़ रहेगी ये वो कभी फिर आप उसको करेंगी, और ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है ना वो आपके जो ऑफिसर होंगे वो फिर करवाएंगे। ये तो आपका डिपार्टमेंट आपको बताएगा, वैसे मेरी अवेलेबिलिटी जो होते हैं हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं वर्ल्ड के अंदर, तो उसको करवा देंगे हम, कोई ऐसा मसला नहीं है। अभी बस अभी निकल रहे हैं और 24 को इंडिया जा रहे हैं, उसके बाद एक ओलंपिक एक्सेलरेटरी का प्रोजेक्ट है वो। आपके लिए एजुकेशन फ्रंट की भी गुनाह है। सर प्लीज माइक में बात करें।
किसी के ऊपर कोई जो है ना एहसान नहीं, ये हमें खुशी होती है कि हम जो चीजें सीखी हैं और सिखा रहे हैं तो कुछ न कुछ हमारे जितने भी पाकिस्तानी भाई हैं ये नॉलेज उनको थोड़ा बहुत ट्रांसफर जरूर करना चाहिए। सर बहुत इंटरेस्टिंग रही है आपसे, बात तो है आपके साथ। कैसे सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल खैरियत, बिल्कुल खैरियत। आपका ये कोचिंग कोर्स चल रहा है जी? जी सर। दैट्स वेरी गुड। मैडम ने मुझे बताया कुछ, वो सारा दिन ऐसे ही हम लगे रहते हैं काफी सारे, तो आपके प्लेयर्स को मैं जानता हूँ, देखता रहता हूँ। बाकी भी आपके ये प्लेयर्स हैं, ये कोचेज हैं? राइट राइट। डीजी साहब इसमें फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हमने बजाय इसके के कोई एसोसिएशन करवाए या पंजाब ओलंपिक वाले करवाए, ये फर्स्ट टाइम हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म हुआ है जिसपे हमने उनको इनवाइट करके और अपना कोचिंग कोर्स करवाया। वेरी गुड मैडम। इसमें देखे ना, ये बुनियादी तौर पे देखा जाए तो हमारा जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बोर्ड का फंक्शन ही यही है, हमारे कोचेज या जो अदरवाइज जो हमारे एम्प्लॉयज नहीं भी हैं उनके लिए कंटिन्यूस इस तरह की एक्टिविटी होती रहनी चाहिए। और अक्सर मैं स्विमिंग का, टेनिस का देखें उसमें आपका टेबल टेनिस का, तो ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसके बगैर आपकी स्किल्स इम्प्रूव नहीं होंगी, आप कम्पीट कैसे कर पाएंगे। अब तो चंद दिनों से हम मिसाल वही देते हैं जो एशियन गेम्स की है, इतना बड़ा सूबा तो मेरा ख्याल है कि हमारा एक भी मेडल नहीं है। तीन तीन तो पाकिस्तान के हैं जी, पाकिस्तान, लेकिन वो पाकिस्तान में उसमें से पंजाब के कितने बच्चे बचे हैं? पंजाब में नहीं मेडल है सर। नहीं है ना, ये सोचने वाली बात है। जब बच्चे इस काबिल नहीं है तो उसका मतलब होता है कि फिर उसको ट्रेन किसने किया है? कोचेज ने। कोचेज की हम इस तरह की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करेंगे तो कोचेज का भी कसूर नहीं है, आप प्लेटफॉर्म ही नहीं प्रोवाइड कर रहे, आप कैसे जाके किसी से पूछेंगे, कौन आपको गाइड करेगा? ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छा जी, आई एम रियली वेरी हैप्पी। आज आपका ये पता चला, चल रहा है साथ स्विमिंग का भी चल रहा है इसी जगह पे, वो भी 4-5 दिन से कर रहे हैं, तो यही हमारी ज़रूरत है। हम अभी सेक्स साहब के पास एक वो एंडोमेंट फंड की मीटिंग करके आए जिसमें गवर्नमेंट ने हमें तकरीबन 2 अरब रुपया दिया है कि आप इन्वेस्ट करें और उसका पैसा प्लेयर्स पे लगाएं। वो तकरीबन हमें कोई महाना 1.5 से 2 करोड़ तक आना शुरू हो जाएगा दिसंबर तक। दैट मनी इज़ ओनली फॉर द प्लेयर्स, तो एक बहुत बड़ी उसमें चेंज आ जाएगी, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग, कोचेज की कैपेसिटी बिल्डिंग, और यही हमारी ज़रूरत है। ये जो एशियन गेम्स, बल्कि नेक्स्ट वीक में मैं सारी एसोसिएशन के साथ एक मीटिंग भी कर रहा हूँ, दिस इज़ आई ओपनर। यानी पंजाब से अगर कोई बच्चा भी नहीं, ना तो ये कहत ज़्यादा जगह है कि खाने को कुछ नहीं है, ना ऐसा है कि हमारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ नहीं है, ना ये है कि हमारे पास पैसे नहीं है, ना ऐसा है कि हम जो है ना वो कोई बहुत कुछ छोटे लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं। सब कुछ होने के बावजूद एशिया में हम एक मेडल भी नहीं ले सकते। सबसे बड़ा सूबा भारत ही है, इसलिए ये बहुत अच्छी एक्टिविटी, इसको आप जारी रखें बाकी गेम्स में भी। मैं इसलिए क्विकली बात कर रहा हूँ आपसे, मैं इंटरेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि नीचे मेरे गेस्ट आने वाले हैं कुछ सीएम साहब से, उनके साथ एक छोटी सी मीटिंग करनी है। अगर आप लोग बैठे हुए तो आई विल कम अगेन, अदरवाइज आप अपना सेशन कंटिन्यू करें। एंड एवरीबॉडी ऑन द जूम, अगर कोई आपके साथ जितने लोग हैं मुझे बताया गया, तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड इट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ एवरीबॉडी। ये स्पोर्ट्स बोर्ड की एक छोटी सी काविश जो मैडम ने उसको हेड किया है, तो आई रियली अप्रिशिएट इस तरह की आप एक्टिविटीज ना सिर्फ हॉकी में बल्कि तमाम में जारी रखें। ये मल्टी स्पोर्ट्स की कोचेस है, मेरा तलक इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से, मैं डायरेक्टर हूँ एशियन हॉकी फेडरेशन का, सेंट्रल एशिया का भी हो, एशिया का भी एशियन गेम्स में करवा के, ओलंपिक मैंने करवाया है टोक्यो वाले, अभी ओलंपिक वाले कर यहाँ ना था विमान में करवाने, तो ये मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी। मुझे काफ़ी अर्से उन्होंने कहा कि मैं कहता बींग ओवरसीज पाकिस्तानी वर्ल्ड में तो हम सर्विस दे ही रहे, अभी जस्ट मैं एशियन गेम्स जाता है इवेंट मैनेजर,
ये तकरीबन 18 साल से मैं इंटर्न शॉकी प्रोजेक्ट अकेडमी के साथ इंटर्नशिप एजुकेशन IOC के प्रोजेक्ट में मैंने चल रहे हैं 2-3। तो हमें ये ज़्यादा खुशी होती है कि हम अपने जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं कहीं भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो अपने कुछ इनपुट अपने कोचेस को अपने पाकिस्तानी भाइयों को शेयर कर। बिल्कुल, तो ये काफ़ी अरसे के बाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपने उन पाकिस्तानी भाइयों का, स्पेशली आपका और मैडम का, क्योंकि हॉकी से रिलेटेड मैं भी हॉकी तो आगे जो हमारी जो वर्कशॉप थी स्पेसिफिक तो हॉकी के ऊपर नहीं थी, ये मल्टी स्पोर्ट्स के ऊपर थी, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल और साइकोलॉजिकल मेंटली और ये क्या चीज़ें हैं, सेफ्टी मेजर्स जो लेने होते हैं, इंजरी फैक्टर्स जो आ जाते हैं, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कोच रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर हमने किया है। फर्दर भी ऐसा है कि हमारी जो एक्सपर्टीज है इंग्लैंड में USA में हमारे साथ अटैच रहते हैं, वो कभी ऑनलाइन होगा तो हम उनको लेंगे इनपुट उनकी भी, क्योंकि अटक के अंदर तो चूंकि मेरा बिलोंग अटक कवर से पाकिस्तानी हो रहा है तो भाई अटक के अंदर जो बहुत बड़ा कम्प्लेक्स है वो वैसी है उस तरह से हॉकी का जो है मैं उसको बहुत लीड कर रहा हूँ। आप मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप उधर थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दें कि वहाँ की जो एक्टिविटीज हॉकी की या स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज की इसको हमें एक्टिव करना है, जो इसी तरह की सेमिनार्स कम से कम वो जो है वहाँ पे मैं अटक में टाइम होता है तो क्या बगैर मैं आप डिस्ट्रिक्ट को कम अज कम जितना टाइम मिले तो ये मुझे आपकी हेल्प चाहिए। पहले भी मैंने रिक्वेस्ट की थी शायद वो फिर मैडम ये देखे ना इसमें कोई मेरे रेफ्यूजीज स्ट्रीट बॉयज सबको हम डील कर रहे हैं, एकेडमी थी जिसको मैंने यही सारा प्रोजेक्ट करना आप करें इस पे तो रिवाइवल ऑफ हॉकी भी हम बहुत चीजें कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपको जिस तरह की चाहेंगे सपोर्ट भी देंगे। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। जगह जगह इतनी कहाँ है जल्दी से बहुत अच्छा।